अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहेंगे आपको हमेशा की तरह एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छे कपड़ों। सॉरी यार, आप बोलने नहीं देते हो ना मुझे। बहुत अच्छे कपड़ों में हुमायूं ज़ेब अब्बासी, मुझे ऐसे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। हुमायूं, बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। आप अब ज़ैनब ने भी मुझे कहा था कि आपको उसको भी अच्छे लगे हैं, बट थैंक यू सो वेरी मच। ज़ैनब को कल मैंने महसूस किया, मैसेज किया ज़ैनब कल मैंने मैसेज किया और मैंने मैसेज किया, मैंने कहा जहर इंसान मिस यू, ओके बाय। कहती ये क्या था? तो दिस इज माय वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव, यू नो दैट आई कांट से टू पीपल लाइक दिस, तो मेरे दिस इज हाउ आई नो। नहीं, लेकिन ज़ैनब अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ैनब इज बैक इन पाकिस्तान एंड शी इज मंडे से इंशाल्लाह टेकिंग अ फ्यू डेज मोर, क्योंकि जाहिर आपको पता है कि जब आप पाकिस्तान से वापस आते हो तो आपको थकावट हुई भी होती है। तो मंडे से ज्वाइन कर लेना। हां जी, फिर घर के कुछ मामला होते हैं तो आज का दिन उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑफ लिया। जी, मंडे से वो आ जाएंगे इंशाल्लाह, बड़ा मजा आएगा उसके साथ। अच्छा, आज आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। फखर भाई हमारे सामने है कैमरे पे। फखर भाई बहुत शुक्रिया, कुछ कहने की जरूरत नहीं मुझे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैंने जब भी महकमा मौसमियात वालों की कोई पेशन गोई बताई मुझे पता था कि हुमायूं ने मुझे नहीं छोड़ना इस बात पे। मैंने आज कहा था कि हम तुम्हें सबक दोष करते हैं, इसने आज तक जब भी महकमे मौसमियात की चीज बताई, महकमे मौसमियात वालों की जब भी कोई पेशन गोई जो है वो बताई है तो हमेशा 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 मुंह की खाई है। इसलिए मैंने अब तहैया कर लिया है कि उन्होंने जो भी कहा मैं कभी नहीं बताऊंगा। कल पूरा दिन मैं सोचता रहा कि मैंने क्या जुमले बोलकर इसको मैंने सुनानी है बातें, तो मैंने कहा था कि मुझे पता था हुमायूं मुझे नहीं, हाँ मुझे पता था यू वॉन्ट यार, मैंने कहा कि अल्लाह माँ आज तक इसने इस शो पे। और तुम यकीन करो, शाम से बारिश शुरू हुई है, पूरी रात से बारिश, पूरी मतलब शाम को मौसम इतना अच्छा हो गया, 4-5 बजे बारिश शुरू हुई है और उसके बाद से लेके कंटिन्यूसली सुबह तक बारिश होती रही। और मैं इतना हंस रहा था तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा भी, कहती क्यों हंस रहे हो? मेरे कल मैंने हलीमा को बहुत बेइज्जत करना है। मैंने कहा अम्मा आज तक उसे जब भी मौसम की कोई बात बताई ना वो उल्टी हुई है, और तुम ये किया करो जब गर्मी हो ना तुमको बारिश। अच्छा ठीक है, नहीं होगी, नहीं होगी तो फिर हो जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने जो है जितने भी लोग पिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त मुकीम है, वीकेंड्स पे भी जब भी आप लोगों ने ट्रैवल करना है थोड़ा सा ख्याल रखना है रस्तों का, क्योंकि दफा 144 जो है वो ना सिर्फ फेडरल में बल्कि पूरे पंजाब में नाफिज कर दी गई है। दफा 144 मुझे पता है। हाँ, चार लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई मॉब इकट्ठा नहीं हो सकता, कोई जलसा नहीं कर सकते, मोटरसाइकिल का बताओ। हाँ जी, डबल सवारी पे पाबंदी लग जाती है, उन चीज़ों को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा, लेकिन कोई मॉब इकट्ठा होने पे, कोई जलसा जुलूस या इस तरह की कोई चीज़ करने पे पाबंदी है। और इससे पहले कि कोई और आके रास्ते बंद करे, हम खुद ही रास्ते बंद कर देते हैं, इसलिए फैज़ाबाद जो है वो तकरीबन बंद ही समझें आप। तो आपने अगर पिंडी से सांबा या सांबा से पिंडी जो है वो सफ़र करना है तो आपने कोई 15-20 मिनट का मार्जिन लेके, लेकिन यकीनन गवर्नमेंट ने जो स्टांस दिया है ये इसीलिए लिया है ताकि किसी को दुश्वारी ना हो और वो लोग दोबारा आके ना बैठ जाएं, और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हुए हैं पहले भी। चले दैट्स अ साइड, मूविंग ऑन स्विफ्टली टू जी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं कल ही पढ़ी थी जो चीज़ हम दोनों से बड़ी रिलेट कर रही थी, और हम इस तरह की चीज़ें शेयर भी करते रहते हैं एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे, जब हम कुछ इस तरह की इस्लाम में क्या इस तरह की कोई चीज़ देखते हैं तो हम शेयर करते हैं। उसमें एक चीज़ थी हुमायूं कि जी डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है काइंडनेस और नाइस होने के बीच में, अच्छे होने में और मेहरबान होने में फर्क है। तो क्या फर्क, आपको क्या लगता है कि बेसिक फर्क क्या है मेहरबान और अच्छे होने में? मेहरबान होने में एम्पैथेटिक होते हो आप, ठीक है, और एम्पैथेटिक मतलब आप उनके शूज में जाकर आप उनका ख्याल रखते हो, जैसे कि खुदा ना खास्ता आपको बुखार हो गया तो मैं आपका इस तरह ख्याल रखूं जिस तरह मुझे बुखार हुआ है, ठीक है, और अच्छे होने में कि आपको बुखार हुआ है तो मैं आपसे पूछ लूं कि आपको बुखार हुआ है, आप ठीक हो, बस इतना हो गया। आई वोंट फील इट, इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, आई एम गोइंग टू पुट इट। अच्छा अच्छा, जो जहाँ मैंने सुना वो मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद आपने भी अपना इनपुट देना है, क्योंकि आपका जो इनपुट होता है वो एक तो बड़ा ज़रूरी होता है और दूसरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेहतरीन किस्म का और बहुत जामे इनपुट
जो है वो हमेशा आप इस बारे में बात करती रहो वह जामे इनपुट देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जब हम सोचते हैं या हम सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये उससे हम डिस्कस करेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचता है। तो ये एक उस तरह की चीज़ थी जो हम दोनों के बड़े करीब है। तो मैंने सोचा कि इस्लाम जो है हमेशा आपको रहम दिली का दर्स देता है, कभी भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे होने का दर्स नहीं देता, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो किसी का नुकसान नहीं चाहता। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे होते हैं, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा स्वीट होते हैं किसी के साथ, तो लोग आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं और लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपके जज्बात को, आपके एहसास को मिसयूज़ करते हैं। तो इस्लाम कभी भी ये नहीं चाहता कि आपके एहसास को मिसयूज़ किया जाए। तो इसलिए इस्लाम हमेशा कहता है कि आप रहम दिली दिखाएँ, लेकिन वहाँ तक दिखाएँ जहाँ तक एक हद है और अगले को जरूरत है। उससे ज्यादा नाइस होने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वाकई आप नाइस होंगे लोगों के साथ तो लोग जो है वो आपको की कमजोरी समझना शुरू कर देंगे इस चीज को। और ये मेरे और आपके साथ बहुत ज्यादा आपको मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको बहुत कम रील्स भेजता हूँ मैं आपको, जब भी इंस्टाग्राम पे कोई चीज भेजता हूँ मैं बड़ा थॉटफुली कोई चीज़ भेजता हूँ आपको, उसके पीछे कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। आपने जिस तरह की मेहरबान की बात कही, हमारे पंजाबी पहाड़ी में एक कहावत है कि बहुत मिठे भी ना हो कि कोई निगली गच्छ है, तो बहुत कोड़े भी ना हो कोई थुक्की छोड़े, विच मीन्स कि आप इतने मीठे भी ना हो कोई आपको निगल जाए, इतने कड़वे भी ना हो कोई आपको थूक दे। तो मयाना रवि आपको ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे बहुत पसंद है। हर चीज़ में मयाना रवि बहुत ज़रूरी है। आपका मौजू बहुत अच्छा है, लेकिन आज एक और छोटा सा काम है जो मैं करना, अगर आपकी मैंने आपसे ये पूछना था, मैंने आपसे ये पूछना था कि आपको कभी ये फील हुआ है कि यहाँ पे मैंने रहम दिली नहीं दिखाई, मैं बहुत ज़्यादा इस बंदे के साथ अच्छा हो गया और इसका इसने फ़ायदा उठाया है, मतलब गलत तरीके से मेरी फीलिंग्स को इस्तेमाल किया है ना? ये तो हम सब करते हैं, हम सब लोगों को मैंने आपको कुछ ऐसा पहले ही बताया कि अब अल्लाह से मैं ये दुआ करता हूँ कि मुझे दुनियावी लगाव खत्म हो जाए सिर्फ इसी वजह से कि मैंने बहुत धोखे खाए। कल मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, उसने कहा उसने मुझे तोड़ तो दिया अपने साथ जो रिश्ता था, लेकिन उसने मेरे साथ एक अच्छा काम कर दिया कि उसके साथ रिश्ता मेरा जोड़ दिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो कल मुझे किसी ने बात भी की कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे छोड़ दिया, ये वो, तो मैंने कहा समझो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। इससे आप जो जिंदगी में तब्दील होते हैं वो तब्दीली इतनी खूबसूरत है हलीमा, किसी की हद नहीं। अभी आपकी जिंदगी में जो ऐसा इंसान है जिसके साथ आपने बहुत अच्छा किया और आपको अच्छा नहीं मिला, ये जो तब्दीली आपके अंदर आई है बहुत अच्छी है। हम आज अब आप अगर आपकी इजाज़त हो आज एक चीज़ हमने कर ली है। कभी कभी जिंदगी में कोई आपकी ज़िंदगी में आता है थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर के बाद फिर वो चला जाता है, लेकिन उसका असर रह जाता है आज और उसके साथ रहता है। आज एमन मुगीस जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा लगा आपसे, आज हम कुछ मुख्तलिफ करने लगे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप चलकर आज हमारे पास आए। आज देखें आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, माशाल्लाह आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आज एमन को हमने किचन से यहाँ बुलाया, वापस भेजेंगे आपको। जी, 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 सबसे पहले ये देखें कितनी अच्छी लग रही हैं। आज आपने बड़ा खूबसूरत रंग पहना है। आज आपसे पूछेंगे आपको कैसा लगा, हम कैंप टू की तरफ जाएंगे, आप इस तरफ आ जाइए, आप बताइए आपको कैसा लगा यहाँ आके। अब आपकी बारी। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं पहले 3-4 महीने पहले मैं यहाँ पर आई थी, इसी नशस्त पर बैठी थी, आपने मुझे एज अ गेस्ट बुलाया था और उसके बाद मुझे दोबारा याद किया गया। ज़ैनब की जाने की वजह से वो गई और मुझे मौका मिला यहाँ आने का। मुंतखब किया गया। बिल्कुल, मुझे मुंतखब किया गया और ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। मैंने इसको एज एन ऑनर जो है वो लिया और मैंने बहुत दिल के साथ मैं यहाँ आई और आप सब लोगों ने मुझे बिल्कुल ये महसूस नहीं होने दिया कि ये मेरा कोई मतलब ये मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे कुकिंग शो या इस तरह से सेगमेंट करूँगी। ये मेरा पहला ही मौका था कि मैंने किसी चैनल पे आके इस तरह से किया और ये मेरे लिए बहुत जैसे कह लें कि बहुत अच्छा एक तजर्बा था और मुझे हमेशा ये याद रहेगा। अच्छा एमन, बहुत सारे लोग हम लोग इंक्लूडिंग हमारा तो अब ये काम है और हमारी रूटीन्स भी उसी के हिसाब से हैं, लेकिन जितनी भी घरेलू खवातीन होती हैं उनकी रूटीन इस तरह से नहीं होती। बड़ा कुछ सेक्रीफाइस करके, बड़ा कुछ ऑन होल्ड करके आपको यहाँ पे आना पड़ता है कि घर वालों को भी आपके साथ बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है सब चीज़ में। तो बीच में या अभी या पहले ऐसे तो नहीं लगा कि ये बड़ा मुश्किल है मैं
नहीं कर सकती या मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं रूटीन को मैनेज नहीं कर सकती। थोड़ी सी तो छुट्टियां थी स्कूल से, वो भी यहाँ पे सारी जो है वो खत्म हो रही, क्योंकि मंडे से जो है वो टीचर्स के स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों के स्कूल जो है वो 15 दिन बाद खुलेंगे। बिल्कुल नहीं, मुझे एक दफा भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैं इसके लिए यकीनन बहुत ज्यादा मतलब ये कि दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने घर वालों का भी जिन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। मेरे हस्बैंड ने पिक एंड ड्रॉप भी शुरू में मुझे दिया और उसके अलावा हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं उनकी मौजूदगी में मैं निकल के आ रही थी और जा रही थी, तो सबका बहुत ज्यादा के बाद भी किसी ने पिक एंड ड्रॉप का शुक्रिया अदा करना जी मेरे साथ है हलीमा ने बहुत ज्यादा इनकी वजह से मैं टाइम पे आना शुरू हुई। लेकिन ये कि सबकी जो होती है ना एक सपोर्ट होती है। किसी इंसान को आप पेट्रोल छिड़क कर आग लगाना चाहे इम्तियाज, किसी इंसान को नहीं नहीं ऐसा कोई भी नहीं इम्तियाज है। इम्तियाज भाई ने बहुत सपोर्ट किया, मैं तो जाहिर है इम्तियाज कौन, इम्तियाज भाई ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं शो खत्म होने से मैं दसदा इवन एक चीज पूछती है मैंने आपसे, आप माशाल्लाह घुल मिल जाने वालों में से हैं, कोई एक चीज जो आपने हमारे शो से सीखी, सीखने का अमल चलता रहता है, और एक चीज आपने वो बतानी सीखी और आपको मुझे बताएं हम दोनों के लिए सबसे बड़ा एनर्जी बूस्टर अच्छा, हमारे कॉलर्स हैं। कैसा लगा था कॉलर्स जब आके आपके आपसे पूछते हैं, तलत आंटी कहती थी एमन को सलाम, तो ये अहमियत कैसी लगती है? ये मैं बताऊं आपकी तरफ से कि आपने क्या सीखा है जी बताइए। किचन में किसी की मुदाखलत ये वैसे वाकई क्योंकि हम दोनों बहुत मुदाखलत माय लर्निंग। मैं घर में आप यकीन करें कि मैं इस मामले में मैं अपनी हेल्प से भी हेल्प नहीं लेती कि मैं ये कहती हूँ नहीं ये काम मेरे अच्छा, है वो सारे काम करती हैं लेकिन किचन के कामों में मैं किसी से मदद नहीं लेती। तो वाकई ये भी एक लर्निंग थी, पार्ट ऑफ लर्निंग थी कि नहीं भाई आप मेरे अलावा भी किचन में मेरे साथ कोई आ सकता है और ये सारी चीज़ें आपकी हमने ट्रेनिंग की है आपकी बहू के लिए कि आप उसके लिए डाइनिंग बन जाना कि मेरे किचन के अलावा भी मतलब ये देखें जो आप हमारा हल्का फुल्का एक मजाक और ये सारी चीज चल रही होती है ना उसको भी हमने कैसे लेके चलना होता है कि तो ये वाली सारी चीजें भी मैंने बहुत सीखी। उसके अलावा भी जो है वो आप ये कह लें कि हर ये आपके टॉपिक्स होते थे इसमें कोई ना कोई बात होती थी और आज आते वक्त मैं ये सोच रही थी कि मैं स्पेशली जो 4-5 लोग जो मुझे याद हैं, नादियाँ हैं, तलत आंटी हैं, या साहब हैं, कि इन लोगों की कॉल्स आती हैं तो और ये लोग ज़रूर जो है वो इस तरह से कोई ना कोई अपनी इनपुट देते हैं और आपको रिकग्नाइज करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे अपने कलीग्स ने बना क्या रही है जल्दी से इससे पहले आज हम पास्ता बनाएंगे फजीता पास्ता ठीक है मुझे लग रहा है मुर्गी इस हिसाब से आप माशाल्लाह डाल रहे हैं कि कल परसों मेरे पर निकल आएंगे और मैं भी कुकड़ बन के यहाँ बैठा हूँगा मुझे जिस तरह लग रहा है। बट आपके लिए इससे पहले हम ब्रेक लें आपको ये हाथ जोड़कर मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि अगर कोई गलती कोताही मुझसे हो गई हो माफ कर दीजिएगा। तो मैंने बहुत मजाक उड़ाया और मैंने बहुत तंग किया आपको क्योंकि ताकि आपको कर सकूं फील, पर मेरे से गलती हुई जानबूझ के भी बहुत जगहों पे और बगैर जाने भी, लेकिन आपका मैं हाथ जोड़कर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने बहुत मीठा भी बना रहे हो आज, मीठा भी बन रही है। अच्छा मीठा क्या आपका बहुत शुक्रिया। मामी सेवैया बनाएंगे मामी देखो मामी की कौन सी सवैया है जो यहाँ बना रहे हम यहाँ पे लेते हैं थोड़े सा ब्रेक। हमारे गेस्ट थोड़े से एबनॉर्मल से हो रहे हैं, पता नहीं क्यों तस्वीरें ले रहे हैं, अजीब सी शक्लें बन रही है, कौन है आज मेरे और हलीमा के फेवरेट गेस्ट है। लेट्स यू मीट विद देम, टेक अ ब्रेक, एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि हुमायूं ने आप लोगों को बताया था कि आज जो गेस्ट आए हुए हैं वन ऑफ आर फेवरेट गेस्ट बिकॉज उनके साथ हमारी ऑन स्क्रीन भी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, ऑफ स्क्रीन भी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। हम लोग आज भरपूर कोशिश करेंगे कि कुछ कंटेंट आप लोगों को दे के जाए बिकॉज हम जब भी उनसे मिलते हैं तो हम हमेशा बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा जोक क्रैक कर रहे होते हैं, तो इसलिए कॉन्टेंट के हवाले से भी बात करेंगे। आज के हमारे दोनों गेस्ट जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, आप लोग कॉल करके अगर उनसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जो उनकी वाइफ है वो डर्मेटोलॉजिस्ट है और बहुत एक्सपर्ट है, हस्बैंड गैस्ट्रोलॉजिस्ट
हस्बैंड जो है वो एस्ट्रोलॉजिस्ट है और वाइफ की मैं खुद आप लोगों को बता सकती हूँ कि मेरे बालों में से जो यहाँ पे लिटरली मेरे बालों मुझे एड में लिया जा सकता था कुछ ऐसा पहले तक, मेरे यहाँ इतनी डैंड्रफ होती थी और उस डैंड्रफ से जो छुटकारा है वो मुझे उन्होंने डॉक्टर साहब ने दिलवाया है, तो मैं तो उनकी मुरीद हो गई हूँ इतने सालों में। हाँ बारीक कंघी तेल लगा के ऊपर छत पे बैठ के तुम लोगों ने बारीक कंघी मेरे सर में मारी है, तो बस थैंक यू यार, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। तो जी दोनों शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग कॉल करके कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज आप लोग और ये वाहिद ऐसे गेस्ट हैं जो वो जिप होता है ना, वो जिप भी उसके भी ऊपर से साइड से गुजरी थी तो सर उनका ऊपर से गुजरा, तो इतनी माशाल्लाह टॉल है। लेडीज जेंटलमैन लेट्स वेलकम, आप दोनों का नाम है डॉक्टर रूबी और डॉक्टर हसन, आज हमारे साथ मौजूद है उस्मान, डॉक्टर सॉरी डॉक्टर उस्मान, मैं किस हसन का सोच रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आ जाइए। आपने उनको पहले क्यों कहा आप आगे जाएं? दिस इज रेयर, वरना आप तो खुद आगे होती हर चीज में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठिए। आप दोनों ने कोई कोई कोना पकड़ लेना, उन्होंने कहा यू आर सपोज्ड टू सिट, वो मेरा अच्छा एंगल, वो मेरा अच्छा एंगल है। आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप कहीं भी बैठ जाएंगे, आप किसी भी एंगल से नजर आएंगे, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। लग रहा है मुझे, लग रहा है कुछ आने लगी रिक्वेस्ट। इतनी देर से मुझे एक ही लतीफा याद आ रहा था, मैंने कहा हुमायूं और हलीमा, रूबी और उसका वलीमा। आप कोशिश करें कि हम कोई कंटेंट निकाले। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, आपको हमने बुलाना था ईद पे, ये तो मेरा आपसे बहुत बड़ा गिला है कि आपको हमने ईद पे बुलाना था और आप ईद पे हमें डिच करा के, इवन डॉक्टर साहब को भी डिच करा के आप कहीं बाहर के मुल्क चले गए, आपने क्यों किया हमारे साथ? देखो दूसरी बीवी के साथ भी तो वक्त गुजारना था ना, खाली एक के साथ काम। देखिए ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है, काम के लिए जाते हैं। अच्छा वहाँ जाके फिर काम ही होता है सिर्फ। वैसे डॉक्टर रूबिया अभी यकीनन आपके बचपन में नंगे पैर चली होंगी, आप लोग भागते होंगे, आप अगर आज आपको कहा जाए नंगे पैर चले आप चल लें? चलेंगे, छोड़ जाइएगा मैं अपनी अम्मी को देने, बड़े प्यारे ये बड़े प्यारे जूते, ये मैंने अपनी वालदा को इंशाल्लाह ताला देने। अच्छा आप दोनों से ये भी असल में मेरे शादी नहीं हुई है, सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम यू, मुझे एक मैं डर्मा से हवाले से एक चीज पूछूंगा। आई फेल्ट सो बैड, मैं रील्स देख रहा था और वो रील्स के मिलियन व्यूज थे और ये आजकल रील्स आई हुई है। एक लड़का है वो कहता है कि वो दोस्त के साथ जा रहा हूँ, तो कहता है मेरा सनब्लॉक कहाँ पर है, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद वो दिखाते हो सनब्लॉक लगा तो उसे दुपट्टा रखा होता है, एंड मतलब ये बड़ी जनाना हरकत है कि उसे सनब्लॉक लगाए। डू यू गेट द पॉइंट कि अगर कोई भी लड़का ये कहेगा कि उसे सनब्लॉक लगाना है तो दैट मींस वो बड़ा जनाना है, ठीक है। सो मैं आपसे ये आज सबसे मैं चाह रहा था किसी दिन आप शो पर आए, क्योंकि आप जिस तरह रगड़ेंगी ना उस तरह वो बिल्कुल हमारा टाइम रगड़ा होगा। क्या मर्दों को नहीं लगाना चाहिए सनब्लॉक? स्किन नहीं होती क्योंकि हम लोग सांप की स्किन लेकर पैदा होते हैं। नहीं नहीं, देखिए दिस इज कंप्लीटली अनफेयर, इट्स नॉट इवन अबाउट लुकिंग नाइस एंड प्रिटी, इट्स आल्सो अबाउट बीइंग कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन योर स्किन एंड आल्सो एजिंग प्रोसेस। आप सोचे ना क्या वुड यू वांट टू गेट ओल्डर मच क्विकर? Who wants के जी कि वो 40 में 50 के लगे, 50 में 70 के लगे और 70 में 90 के लगे। So you want to stop the aging process. हम क्यों लगाते हैं सनब्लॉक? क्या वजह? Basically it's to protect your skin. It's not just about looking pretty. It's not just about preventing a tan. ये पाकिस्तान में बताना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग मोटिवेट होते हैं सनब्लॉक लगाने के लिए कि टैनिंग से रुकेगा। इसलिए मैं उनको नहीं इस मिथ को बस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन असल में आप फोटो एजिंग से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फोटो डैमेज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये एक शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूला है, देयर आर सम गॉर्जियस वीडियोस, अगर आपने वीडियोस ही देखनी है जिसमें वो दिखाते हैं कि आधे मुंह पे सनब्लॉक लग गए फॉर लाइक अ गुड पीरियड ऑफ टाइम और आधे पे नहीं लगाया, और फिर वो दिखाते हैं कि जो कंपैरिजन जो है वो उसका या गर्दन पे लोग नहीं लगाते अक्सर, तो वो उसका कंपैरिजन दिखाते हैं कि अच्छा। डॉक्टर रुबिया इस तरह के भी लोग होते हैं जो एक दफा बहुत महंगा सनब्लॉक खरीद लेते हैं और फिर उसकी बहुत लेकिन डॉक्टर रूबिया का मुझे जितना पता है वो कभी भी बहुत ज्यादा महंगे प्रोडक्ट्स जो है वो रिकमेंड नहीं करती, वो एक बहुत नॉर्मल किस्म के प्रोडक्ट्स जो है वो रिकमेंड करती है ताकि हर बंदा लगा सके। लोग होते हैं जो बहुत महंगा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं फिर उसमें से इतना सा लगाते हैं, वो इतना सा लगाने से क्या कोई फायदा होता है और वो फिर लगा के वो 12 घंटे कहते हैं
पी एंड पाम, सो पी एंड पाम याद रखिए, पी साइज जो ड्रॉप है शुड कवर इट जस्ट वन पाम. मेरा तो खैर हाथ भी बहुत बड़ा है, वेरी मैस्कुलिन हैंड, लेकिन एनी हाउ जनरली स्पीकिंग पी साइज जो है वो आपका एक साइड कवर करता है. तो मतलब इतना अगर आप लगाओ तो आप बोथ साइड्स एंड नेक. ठीक है, अब मैं डॉक्टर सुमान से पूछूंगा, लेकिन आप अपना घर खुला छोड़ा है? आया वो सस्ता जोक, ताले तो आपने कानों में पहन लिए, ताले लगा तो Oh my gosh. ये only हमारी would notice something like this. यार देखिए नहीं जाने दे सकता मैं, मुझे तबीयत खराब होती है मेरी, मुझे नॉजिया शुरू हो जाता है ये मेरे अंदर से निकले. So people were asking what's the show about ना, तो I said actually I don't know, but whatever it's about it won't matter क्योंकि वो चला कहीं और ही जाएगा. जाएगा हाँ, अच्छा, किसी भी तरफ चला समझा जाएगा, compliment समझा जाएगा. I have no idea. इन्होंने हमें भी एक बड़ा जामे सा एक नोट लिख के हमारी टीम ने भेजा कि आपने ये उनसे पूछना है, और उस पे मुझे ये यकीन है कि मैंने किसी अलग जगह बैठ के कह कहा लगाया और हुमायूं ने एक अलग जगह बैठ के कह कहा लगाया कि ये नहीं हो सकता, ये मुश्किल है. डॉक्टर सुमान आप, मैं चाहूंगा क्योंकि डर्मा के हवाले से तुम्हारे कॉलर्स कॉल करेंगे रूबिया से पूछने के लिए, गैस्ट्रोलॉजी की फील्ड क्या है? हम लोग अक्सर इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, जैसे कि मेरे साथ हुआ ये कि मुझे स्किन का एक मसला था और मुझे लगा कि डॉक्टर उस्मान मेरी हेल्प करेंगे, तो मैं डॉक्टर उस्मान के, और ये हमारी कोई एक वीक की कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, मैंने कहा व्हेन विल ही सेट, कहती 4 बजे, ओ कैन यू आस्क मी स्टिल देयर, कहती नहीं निकल गई, अगले दिन दोबारा कॉल कर, इतनी कोई मिसमैनेजमेंट, और आखिरकार मैंने डॉक्टर उस्मान को होल्ड कर लिया एंड आई गॉट हिम. सो मैंने उनको दिखाया, कहते ये मेरी फील्ड तो नहीं है, मैं तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ. मैंने कहा रियली, मैं पिछले 2 हफ्ते से आपको ढूंढ रहा हूँ. एंड देन रूबिया इज सच स्वीट हार्ट कि चली गई थी, इनका टाइम खत्म हो गया थे, वापस आई, इन्होंने मुझे उसका बताया, लेकिन दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, आई लव यू फॉर दैट. उस्मान फोन इन्होंने मेरा भी नहीं उठाया था, लेकिन फोन इन्होंने आपका भी नहीं उठाया था, मुझे याद है, वापस कॉल बैक किया है. फोन देखिए मेरी बात सुनिए, मैसेज का हर एक का रिप्लाई किया कि नहीं किया? देखिए इन आसान अल्फाज में अगर उर्दू ट्रांसलेशन करें तो अमराज़े मैदा और जिगर, यानी कि स्टमक, इंटेस्टाइन और साथ उसके जो भी एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं एंड लिवर, जिसमें पैनक्रियास वगैरह, स्प्लीन, बाइल डक्ट्स और गॉल ब्लैडर जिसे हम कहते हैं, ये सारा कुछ आता है. तो ये अमूमी तौर पर उस तरह आ सकता है, जिसमें आप समझ लें कि आसान अल्फाज में आपके डाइजेस्टिव डिजीज़ जो मुंह में आप डाल रहे हैं खाना और जहां से खाना गुजर रहा है ना, वो हमारी डोमेन है. अच्छा शुक्र है आपने वो वाली डिस्क्रिप्शन इसकी नहीं बताई जो आपकी वालदा मोहतरमा करती हैं. शुक्र हमारे साथ कॉलर है जी, ललित आंटी है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कैसी हैं ललित आंटी? अल्लाह का शुक्र है बेटा, और जुमा मुबारक. जुमा मुबारक आपको भी, और आपके दोनों माशाल्लाह खुशबाश ये जो मेहमान आए इनको मेरी तरफ से सलाम. वालेकुम सलाम. अच्छा पहले तो मैं आपसे सवाल तो मैं करती नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है जवाबात मिल जाते हैं, लेकिन मैं अभी चूंकि बिल्कुल शुरू में मैं बात कर रही हूँ ना, तो ये मैं बताऊँ आजकल ज्यादा गर्मी की वजह से वो काफी इरिटेशन हो जाती है ना, दाने वाने भी निकल आते हैं स्किन पे, काफी इरिटेशन. तो आप यकीन करो इनकी जब से मैं बात सुन रही हूँ, हालांकि थोड़ा सा ही वक्त हुआ है, इतनी देर में मैंने एक भी दफा नहीं खुजाया है. उसकी शिफा है, ये मैजिक की शिफा का. तो आप मतलब समझ गए होंगे. जी जी जी, मैंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है. आसान अल्फाज में डॉक्टर ने आपको ठीक नहीं करना. और इतनी ही देर में मैंने बहुत अच्छी उर्दू सुन ली है मैंने, वरना अमूमन डॉक्टर्स ये वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते हैं. हाँ बिल्कुल सही. बहुत खुशी हुई आपको देख करके, इंशाल्लाह मेरे और भी मसले हो जाएंगे. अच्छा बेटा ये आज तो मुझे असल में जल्दी निकलना था, कहीं जाना था, मगर जब मैंने शुरू में सुना तो पता चला एमन आज का लास्ट प्रोग्राम है. जी जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह मियां इनको खुश रखे. अहमद बेटा क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं, आप कैसी हैं? आपकी मौजूदगी रही, बहुत शुक्रिया. और बहरहाल एहसास तो रहेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और बहुत अच्छी, और सबसे बड़ी बात ये कि जो आपकी गुफ्तगू रही इस पूरे अरसे, इतनी दिल आवेज गुफ्तगु थी, बहुत शुक्रिया, जिसको सुनकर के मजा आ जाता था, कि लगता है कि हाँ भाई कोई ऐसी चीज है ना जो ये एक हम कहना चाहिए जो सोफिस्टिकेटेड लोग जो होते हैं ना, बादशाह लोग होते हैं, हम उनकी गुफ्तगु सुन रहे हैं. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया. मैं मैनेजमेंट को भी कहती हूँ कि ये वाकई ये अपने जो मेहमान आते हैं वो इतने जो कॉलर्स हैं या सुनने वाले हैं,
उनको गिरविदा कर लेते हैं। तो बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए अब आप अपना प्रोग्राम जारी रखिए और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, और डॉक्टर साहब डॉक्टर साहिबान अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं एक और सब हुमायूं हलीमा के साथ। बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले तलत आंटी की कॉल आई हुई थी, बहुत शुक्रिया तलत आंटी हमेशा हमें इसी तरह से प्रेस करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके। और एक वर्ड उन्होंने बोला था आप दोनों के लिए, डॉक्टर साहिबान, जो मैंने अपने वालिद के बाद उनके मुंह से अब सुना है। मैं थोड़ा सा उदास उनकी कॉल पे, हल्का सा। क्यों नंबर नहीं दिए ना आज? अच्छा नहीं था मुझे, मुझे होता है कि इंट्रो कैसे लगा, तो अगर होता है अच्छा तो वो फॉरन कह देते। अच्छा नहीं, हो सकता है वो शायद जल्दी में हो क्योंकि वो कहीं थे आज मैंने कहीं जाना है। अच्छा, कमिंग बैक टू यू डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो हैं उनको जब इस तरह के मेदे के या पेट के कोई इश्यूज होते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि हमने किसके पास जाना है। वो पहले रश करते हैं जीपी के पास, जीपी से केस ख़राब होता है क्योंकि जाहिर है वो भी पहले मेडिकेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद फिर वो आपके पास आते हैं और ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मेरे फादर के साथ खुद ये हो चुका है कि उनको जब पित्ते का इशू था तो बहुत लेट डायग्नोज हुआ, और जब डायग्नोज हुआ जिस डॉक्टर ने किया उन्होंने कहा आप घर नहीं जा सकते, ये फट जाएगा, आपने यहीं रहना है और हम आपको बस ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाएंगे और बाकी आपकी फैमिली जो भी कुछ घर से मंगवाना है वो आप मंगवा लें। ये क्यों होता है, ये अवेयरनेस हमारे पास क्यों नहीं है कि हमें ये हो तो हमने फौरन एक गैस्ट्रिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अच्छा, जो एक तो प्रॉब्लम जो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, खाली हम भी नहीं है उनमें, सबसे ज्यादा है ना कि हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम्स नहीं होते। कोई डॉक्टर किसी और से बात नहीं कर रहा, रेफर नहीं करते, नहीं क्योंकि एक सिस्टम भी नहीं है ना ऐसा। ये मैं इसमें डॉक्टरों की भी थोड़ी कोताही है, थोड़ी सी आवाम की भी कोताही है, थोड़ी सी सिस्टम की भी कोताही है, क्योंकि हम आपस में इंटीग्रेट नहीं करते। क्योंकि एक क्लिनिक बना हुआ है, वो एक सेक्टर में क्लिनिक है, वो डॉक्टर साहब अपने हिसाब से जो देखते हैं वो बता देते हैं। अब उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि जी वो सेकंड ओपिनियन ले सकें या किसी को रेफ़र कर सकें, किसी से डिस्कस कर सकें। तो मैं उसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं, एक तो है ना नज़ला ज़ुकाम जनरल मौसमी, उसके लिए आप ठीक है इंडिविजुअल क्लिनिक्स जाएं। उसके अलावा जो आप सिंगल इंपॉर्टेंट चीज़ कर सकते हैं ना कि आप इंस्टीट्यूशंस के पास जाए, मतलब हॉस्पिटल्स के पास, हॉस्पिटल्स या पॉली क्लिनिक्स, इस तरह आप जाएँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको नहीं भी कोई ऐसी चीज़ रेफर कर दिया जाएगा एग्जैक्टली और मल्टीपल लोग। मैं अभी भी इसी स्टेज पे भी मैं बताऊं कि हम लोग इंटीग्रेट बहुत ज़्यादा आपस में डिस्कशन करते हैं, कभी हर चीज़ समझ नहीं भी आती किसी को तो हम मशवरा कर लेते हैं, मीटिंग्स हो जाती हैं। जिस तरह अगर मैंने अपना अल्ट्रासाउंड, जिस तरह आपने अपने वाले साहब का बताया, तो अगर मैं अल्ट्रासाउंड कराऊं अपने अस्पताल से कराता तो फौरन मैं अपने रेडियोलॉजिस्ट के पास जाता और हम आपस में ही बैठ कर डिस्कस कर लेते कि यार चाहिए तो ये चीज़ वाला एलिमेंट निकल जाता है। क्लिनिक होता है वो कहता है पेशेंट यही पे रहे, जो हलीमा अक्सर कहती है कि पेशेंट मेरे पास ही रहे, वो निकल जाता है बिकॉज इट्स इन हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशन का बन जाता है। ठीक कर लीजिएगा अब चीज़ के, वो हमें अक्सर लगता है कि अस्पताल वाले अगर कहते हैं टेस्ट अंदर से ही करवाओ, मेडिसिन अंदर से ही लो, तो हमें लगता है देयर इज अ मार्जिन, तभी ये कह रहे हैं कि अरे ये कॉन्सेप्ट है हमारे। अच्छा डॉक्टर वुड नेवर से दैट, अच्छा डॉक्टर वुड ऑलवेज से कि यू हैव द ऑप्शन, आप जहां मर्जी जाएं, यहां वाले रिजल्ट्स आर इजीली एक्सेसिबल टू मी, जो एक कॉमन सी बात है, जैसे आई कैन सी ऑन द सिस्टम इमीडिएटली एंड आई कैन शेयर इट, दूसरे रिपोर्ट्स यू हैव टू कैरी एंड ब्रिंग टू अस। हमें ये फिगर आउट नहीं कर सकते कि मैदे का दर्द किस तरफ है, पेट का दर्द कौन से वाला है। सो इनिशियली जब हम खुद डायग्नोस करते हमें नहीं पता। Can you tell us where is the maida where we can understand and then I'm going to go to Rupi. अच्छा, सबसे पहले मैं कहूंगा ना इसमें थोड़ा सा आपने देखना ये है, मेदे के मसलों की वजह से किसी की डेथ नहीं होगी, ठीक है, इट विल नॉट बी लाइफ थ्रेटनिंग। अच्छा, अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग है तो आप वो घर बैठने नहीं देगा, जिस तरह हलीमा ने अपने वाले साहब की बात कही ना, वो घर नहीं बैठने देगा, आप सीख हेल्प करेंगे। लेकिन अमूमी तौर पे मेदे के मसले आपको लाइफ थ्रेटनिंग चेंजेस उस तरह नहीं, हल्की सी दर्द हुई वो आपको तंग नहीं करेगी। चेस्ट पेन हार्ट का एक दी ओनली इशू जिसपे मैं कहूंगा कि जी हमें जरा सीरियस होना चाहिए। अगर आपको पेन हो रही है, यू आर ऑफ एज यानी कि 50 प्लस हो गए, एक तो है ना कि मेरी तरह का या कोई जवान आदमी होगा जी मुझे अब कल 12 साल का बच्चा आया मुझे यहाँ दर्द हो रही है शायद हार्ट है,
तो दैट इज प्रोबेबली नॉट इट. लेकिन अगर आपको 50 प्लस हैं और कोई अगर और यानी स्मोकिंग या डायबिटीज या ब्लड प्रेशर इस तरह की कोई हिस्ट्री है, चेस्ट पेन, डोंट सिट एट होम. ठीक है, क्योंकि हार्ट की पेन जो होती है ना वो बहुत निगलिंग पेन होती है अमूमन. वो आपको इस तरह नहीं तंग करेगी कि जी तंग नहीं करेगी ना, आपको रश करने को नहीं कहती. ठीक है जी, अभी अभी चलो, अभी अभी मतलब आहिस्ता आहिस्ता होती रहती है. आई एम गोइंग टू कम टू डॉक्टर साहिबा, पर मैं सबसे पहले एक कॉल ले लूं. मिसेस सरफराज हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम मिसेस सरफराज, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक. मैं क्या कहना चाहूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ और काफी दिनों से मैं फॉलो कर रही हूँ. बहुत शुक्रिया. एंड जो आप लोगों की केमिस्ट्री है दैट इज वेरी नाइस, माशाल्लाह. और मुझे देखिए बहुत अच्छा लगता है. अच्छा, कमिंग टू द क्वेश्चन, मैं डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना चाहूंगी. मेरा बेटा है, उसका नाम है मोहम्मद सती. 3.5 ईयर्स का जब वो था तो उसको डायग्नोज हुआ था सीलिक डिजीज, क्योंकि उसको बहुत कॉन्टिन्यूसली मोशन रहते थे ना. तो हमने उसका टेस्ट वगैरह कराया, डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा जी उसको सीलिक है. पूरा एक साल हमने उसको गंदम से एलर्जी एंड सारी एंड दूध और उससे सारी चीजों को हमने उसको स्टॉप करा दिया. ठीक है, नाउ ही इज 11 ईयर ओल्ड. अब उसका ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत वीक है, उसकी ग्रोथ इस तरह नहीं हो रही है, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत जिद्दी है. जब वो 4.5 ईयर्स का हो गया था तो हमने उसको गंदम शुरू करवा दी थी. बट अभी जब हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिसने हमें ये डायग्नोज करवाया था, क्योंकि हमने मुल्तान के बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर से चेक करा लिया, लाहौर भी गई मैं, उधर भी चेक करवाया. बट नाउ अभी तक हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो हमें कहते हैं जी आप इसकी बायोप्सी करवाएं, एंडोस्कोपी के जरिए होता है. तो मैं इतना डरी हुई हूँ कि मेरा 11 साल का बच्चा है और वो कितने 6 साल से मुझे मेरे पीछे लगे हुए हैं कि आप ये कराएंगी तो हमें पता चलेगा कि इसको ये है या नहीं है. मुझे ये मेरा दिल नहीं मानता. मिसेस सरफराज, व्हिच इज योर प्लेस ऑफ लिविंग, कहाँ पे आप रेजिडेंट, कहाँ पर है, कहाँ रह रही हैं आप? मैं मुल्तान कैंट में रहती हूँ. एंड मैंने मुल्तान कैंट के और मुल्तान के जितने भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उनको चेक कराया है, इवन हकीमों के पास भी गई हूँ, उनसे भी जाके बात की है. तो सम हकीम जो थे वो गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम द हमदर्द यूनिवर्सिटी, उन्होंने मुझे कहा कि इतने छोटे बच्चों के लिवर को हम नहीं छेड़ते हैं. तो अब मैं फंसी हुई हूँ कि मैं इस बच्चे को कराऊं, क्योंकि इनके फादर का मुझे है कि आप इसका करा लें और मुझे हमारे साथ जी याहिया है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, बच्चों कैसे हो? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? सवाल याद रखना मेरे. आज मौसम बहुत हसीन है कराची का, माशाल्लाह. यहाँ भी आप ना पूछें कि किस किस्म का मौसम है. मौसम है सुहाना, ऐसे में दिल उनको कहीं से ढूंढ लाना. चले फिर ऐसा ना कि गाना मैं अपने, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहबान बहुत स्मार्ट डॉक्टर्स बैठे हैं और बिलीव मी आर नॉट, डॉक्टर मान की ड्रेसिंग इतनी शानदार है, इतनी शानदार है. डॉक्टर ही अपनी क्या लू, क्या मेरी बात की क्या क्या माय फेवरेट बंदा हो क्या डॉक्टर जब भी आते हैं ना वैसे बोथ ऑफ देम घर से लेके यहाँ तक सिर्फ बेगम की तारीफ हो रही थी. इन्होंने जो टाई लगाई थी ना, इन्होंने जो टाई लगाई थी जो जबरदस्त लगाई है, क्योंकि मेरे फादर खुद बहुत वेल ड्रेस्ड आदमी थे, उनके पास 100 टाई. तुझे छोड़ के जाया प्लीज, कलेक्शन अब तो ये रुला देंगे मुझे. टाई और सॉक्स मैचिंग है डॉक्टर, बिलीव मी मैं तो हमें इनको पता है मैं सवाल अपने जमा करके रखता हूँ, लेकिन मेरे जहन में था कि मैं डॉक्टर की तारीफ कैसे करूंगा. डॉक्टर साहब आज ईद हो गई आपकी, आप कैश दे के जाइएगा हमें. ये तो मैं नीचे किस तरह उतरूंगा इधर से, कोई नहीं हमारे पास छत है. अल्लाह आपको और इज्जत का मकाम दे. देखिए बात यह है कि मैं और इनकी जो हंसी है ना हमारी दूसरी तरफ, मुझे कैमला हैरिस की हंसी लग रही है जो मैं देख रहा हूँ. 5,000 तो बन चुका है अब तक का, आगे चले. नहीं नहीं मेरा फ्री ट्रीटमेंट हो जाएगा अगर कराची में होते तो. आप भी हमारी वाली लाइन के. लेकिन लेकिन देखिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि और कॉर्नर्स लगे, मेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट चल रहा है. मेरे दो सवाल है, एक तो सवाल ये क्योंकि मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में जीपीएस के हवाले से बात कर रहा हूँ, डॉक्टर प्रोफेशनल आदमी है, ये भी प्रोफेशनल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि
जी जो हम जब स्पेशलिस्ट पे रेफर करते हैं कोई एक टाइम के बाद करते हैं ना, जो हमारे मुझे ये समझना है कि हमारे एक कोई भी आदमी क्लिनिक खोल के बैठता है तो उसकी क्या लॉस होते हैं, क्या उसको प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, वो किस एक हर कोई एकदम से क्लिनिक खोल के बैठ सकता है, वाई? एक तो ये सवाल, दूसरी बात है कि जब वो आप किसी के पास जाते हैं तो सबसे बड़ी खराबी जो होती है, जो मैं फील करता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारा मैं डॉक्टर से बात कर पड़ा, द बेस्ट द वर्स्ट थिंग इज द पेन किलर, दे ऑलवेज गिव द पेन किलर, पेन किलर के बाद आपका रीनल सिस्टम खराब होता है, बहुत सारी चीजें खराब होती हैं, ये बहुत गंदी प्रैक्टिस इसके बारे में कुछ कही है। दूसरा एक सवाल जो मैं खुद सवाल कर रहा हूँ डॉक्टर, एक दफा ऐसा हुआ कि मुझे गैस की प्रॉब्लम होती कभी बार, एक दफा ऐसा मुझे हुआ कि रात को मुझे लगा कि मेरा ऊपर का सांस नीचे का सांस भर गया जैसे, और मैं आई थिंक आई जस्ट अबाउट टू डाई, लेकिन ये लग रहा शुगर है कि मुझे मेरे बच्चे का मेरी बीवी का सामने अच्छी फॉर्म, मुझे हॉस्पिटल लेके भागे, मैंने उनको जाके कहा क्योंकि हमारे कराची में ड्रामे बहुत होते हैं, मैंने कहा भाई मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, आई हैव सम गैस प्रॉब्लम, उन्होंने मुझे दवाई दी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन इसको डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं कि आई हैव हार्ट प्रॉब्लम? गुड क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो वेरी मच, वी क्विकली गो टू डॉक्टर उस्मान जो पहला सवाल है, दूसरा हम डॉक्टर साहब अगले छोड़ देंगे। अच्छा मैडम ने, वो अकेली नहीं है जो वो सवाल पूछ रही है, सीलिएक डिजीज इज गंदम की एलर्जी या वीट जैसे ग्लूटेन एलर्जी कहते होते हैं। अच्छा मैं उनको यही मशवरा दूंगा बिकॉज जो बेटा है वो सिर्फ 11 साल का है, माय प्रैक्टिस इज जो वो बायोप्सी की बात कर रही है ना, वो लिवर की बायोप्सी, जिगर की बायोप्सी नहीं है, वो छोटी आंत की बायोप्सी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो एंडोस्कोपी से करते हैं। अगर ये कोई हम में से किसी को हम सस्पेक्ट कर रहे होते ना तो मैं कहता यस दैट्स डायग्नोस्टिक, गोल्ड स्टैंडर्ड इज बायोप्सी, लेकिन अगर 3 साल में उसको डायग्नोज हुआ ना, यानी कि उनके ब्लड टेस्ट में ऐसे मार्कर्स आए थे जिसकी वजह से वो उन्होंने तशखीस की, मैं ये कहूँगा अगर ग्लूटेन छोड़ने यानी गंदम छोड़ने से बच्चा ठीक है और उसकी क्या कहते हैं डो डायरिया जो उन्होंने फरमाया वो ठीक हो गया हुआ है, यस ग्रोथ चेंज हो जाती है क्योंकि ये मैल एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है, इसमें विटामिन डी कैल्शियम की कमियां हो जाती हैं, तो हम उसके सप्लीमेंट्स दें, कमजोरी हो जाती है बच्चे को, वीकनेस, बस उसके सप्लीमेंट्स दें। डॉक्टर उस्मान इसमें साथ में बता दें क्या एलर्जी के जो इंजेक्शन होते हैं या जो स्प्रेज होते हैं, क्योंकि मैंने यूज किया मुझे भी गंदम से थी, क्या वो भी फायदे नहीं? अच्छा ये वाली एलर्जी उस तरह की एलर्जी नहीं है, ये वो एलर्जी नहीं है, मैं इसमें हमारे मुल्क में प्रॉब्लम यही है कि हम गंदम क्योंकि बहुत इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, खानों में भी बात करते हैं, वरना आपको मैं बताऊँ यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड में बाय लॉ अगर किसी चीज में ग्लूटेन डलेगी यानी गंदम से बनी हुई कोई चीज तो वहां पे बोल्ड में लिखना उन पे जरूरी है बाय लॉ कि आपने लिखना है वहां पे है। तो मैं इनको यही कहूंगा कि अभी बेटा 11 साल का है, उसका कुछ भी नहीं करें, बायोप्सी ना कराएं, अगर वो ग्लूटेन छोड़ने से या वीट छोड़ने से ठीक है तो 18 तक उसको लेके जाते हैं, 18 के बाद एडल्टहुड के बाद हम डिसाइड करेंगे कि एंडोस्कोपी, और ये बायोप्सी इतनी खतरनाक नहीं है। But you have to hold your thought on the second question of Yaya because हमारे पास कॉलर्स हैं, quickly हम कॉलर्स देते हैं। आयशा है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर आयशा जी। वालेकुम सलाम, हम आई हूं भाई, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। क्या पूछना चाह रही हैं आयशा जी? अस्सलाम वालेकुम हलीमा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, बिल्कुल ठीक माशाल्लाह, ब्लैक सूट में बहुत बहुत प्यारी लग रही। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं माइयों भाई, लेकिन उस दिन ब्लैक सूट में आप ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। यार जिसने मेरे साथ धोखा किया, मुझे क्या ब्लैक और व्हाइट पहनो, और मैंने अम्मी की ख्वाहिश पे व्हाइट, मैंने बिल्कुल ब्लैक और व्हाइट पहना हुआ है। और अहमन से बात करनी है, अस्सलाम वालेकुम अहमन, आज मैं लास्ट डे है, फिर इंशाल्लाह हम आपको हलीमा बुलाएंगी, छोड़ेंगी नहीं इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया है मन, कि मैंने आपके लिए कभी नहीं पूछा, मैंने आपके खाने नाराज हो जाए, नाराज हो जाए, बस नाराज जहन से स्किप हो गया, उसके लिए माजरत, और बिल्कुल सब लोगों ने इतना प्यार दिया। यकीन करें कि मैंने आपकी सारी रेसिपीज देखी हैं, और मैंने अभी ट्राई तो नहीं की लेकिन देखी, मैंने लिख के रखी हुई है, मैं करूंगी इंशाल्लाह जरूर, बहुत शुक्रिया। और अल्लाह पाक आपको खुश रखे और जहाँ भी जाए खुश रहे। और कहीं आपने कुकिंग शुरू की ना तो मुझे हैज़ा हेल्पर बुलाना। अच्छा जी जरूर, मुझे लगा हैज़ा कह रही है, हैज़ा हो जाए मुझे, अल्लाह करे, अरे अल्लाह ना करे, मुझे कसम से लगा आपने कहा हैज़ा ना हो जाए मुझे, ये तो मैंने क्या रखे जी 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 मेरे बहुत बड़े एक्टर हीरो के, मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं कल देखूंगी इंशाल्लाह संडे को। आपका ड्रामा रिपीट में चल रहा है? अच्छा ठीक है, हाँ मेरा ड्रामा चल रहा है आजकल। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ताला सलामत रखे, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। माही ने जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है माही? माही कैसी है?
शुक्र है, आप दोनों कैसे हैं? मैं आपका शो बाकायदगी से देखती हूँ और मैंने कोई भी शो कभी भी जिंदगी में किसी शो में कॉल नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम ऐसा शो है जिसमें मैं कॉल कर रही हूँ। थैंक यू, डॉक्टर रूबिया पीआर के लिए हमें रखें जी। और अमायू भाई का जो असी मजाक का जो तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगता बहुत है। बहुत शुक्रिया, इनको इसी बात के पैसे मिलते हैं। और रलीमा जी, आपके जो ड्रेसिंग है, जो गुफ्तगू का स्टाइल है, आपके जो गेस्ट है, जिस तरह के आप लोग मेहमान बुलाते हैं, वो बाकी जो मॉर्निंग शोज है उनसे काफी डिफरेंट है। थैंक यू सो मच माहीन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे माहीन, बहुत ख्याल रखिए अपना। हम जल्दी से यहाँ के सवालों की तरफ आते हैं। स्टॉप लाफिंग, हमें भी हंसी आती है। अच्छा, मुझे रूबिया जी की सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि वो उतना ही खुश हो रही हैं हमारी जब तारीफ की तारीफ के लिए, उन्होंने यहाँ पे बेहोश दिख जाना है। एक बात है कि आपकी जब तारीफ हो रही थी, आपकी बीवी आसमान पे पहुंची हुई थी खुश होके, आप भी उनकी खुशी में खुश होना। I told you that ये दोनों strong, मेरे staunch supporter हैं। हम जाते हैं याया के सवाल। अच्छा, so one part of this question, which is also part of Mayur's question, तो आप ना सर अच्छी चीज़ ये होगी, थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया। Although I know कि क्लिनिक्स बहुत ज्यादा है, इंडिविजुअल लेट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, लेकिन अब बाहर से डॉक्टर जो आपके ट्रेन होकर आ रहे हैं, मैं उनका एग्जाम्पल दे सकती हूँ, वी आर वन ऑफ देम। हम लोग सिर्फ एक सर्टन आवर्स की प्रैक्टिस करते हैं, एक ही जगह बैठते हैं और एक ही हमारा जो सेटअप है वहीं पे है। A lot of people ask us as well कि आप private practice क्यों नहीं करते हैं। एक तो ये कि हम work life balance maintain करते हैं। हम जब पाकिस्तान move हुए थे, हमने ये decide किया था कि हम लोगों ने इस तरह काम नहीं करना, बच्चों को टाइम देना, एक दूसरे को टाइम देना वगैरह वगैरह। यार खूबसूरत बात कर रही हैं, पता है बहुत अच्छी बात कर रही हैं। तो वो चीज आई वुड लाइक टू से कि ऑल्दो उस्मान सॉर्ट ऑफ मैनेजेस इट, बट आई थिंक वी एज अ ग्रुप वी मैनेज इट रियली वेल, कि हम लोग कोशिश करते हैं 9 to 5 आवर्स में हमारा वर्क हो और 5 के बाद वी आर एट होम विद आवर फैमिली। तो और इट्स नॉट जस्ट अस, वी हैव लॉट्स ऑफ कॉलीग्स हु आर लाइक अस, जो हमारी तरह ही आए हुए हैं वापस। तो एक अच्छी चीज उसमें एक एलिमेंट वो ग्रीड वाला खत्म हो जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि आप रात को या शाम को या व्हाटएवर मेरे प्राइवेट क्लिनिक में, क्योंकि उसका है ही नहीं। पहली बात तो ये हुई। दूसरी चीज ये हुई कि वो सिंसियर रहेगा। आप जैसे लॉट्स ऑफ कॉलीग्स, हमारा ऑर्थो कॉलीग भी शेयर पेशेंट्स, अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं, मुझे पता है कि अगर मैं सस्पेक्ट करती हूँ सीलिया, आई कैन गेट इट डायग्नोज बाय अ ब्लड टेस्ट, बट आई स्टिल नीड टू सेंड दैट पेशेंट टू उस्मान। तो मुझे पता है आप अगर ब्रीफली एक लाइनर में बता देंगे जो पेन किलर के बारे में, बाकी भी हमने ब्रेक लेना है। पेन किलर का ये सर देखिए, अगर पेन किलर, पेन इज अ सब्जेक्टिव थिंग। अगर आपको दर्द हो रही है, आप जाके अपने फिजिशियन को कहते हैं कि मुझे दर्द हो रही है, उसके पास मोर और लेस कोई चॉइस नहीं आपको दर्द की दवा देने के अलावा। ठीक है, सो इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग, यू आर इन पावर, आप डिसाइड करते हैं आप कितनी लेते हैं। लेकिन कोई मसला तो नहीं होता पेन किलर लेने में? यस होता है, लेकिन इट हैज टू बी इन्फॉर्म्ड। अ गुड क्लिनिशियन विल ऑलवेज टेल यू कि इससे क्या मसला होगा। जी ठीक है, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कौसम हुमायूं हलीमा के साथ। अभी हमसे पूछा गया था एक सवाल, हमसे पूछा गया था आपको प्रोड्यूसर डांटते, तुमने कहा नहीं, कुछ नहीं कहा। अच्छा, कसम से इतने अच्छे, इतने अच्छे, क्या मुझे बेगम, इतने क्या मुझे बेगम डांटती है? नहीं 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 नहीं, नहीं। इसी तरह इतने अच्छे आज तक उन्होंने मुझे यहाँ पे बेइज्जती की, खुदा की कसम। कभी अकेले जाके इधर आओ, जरा इधर आओ, ये नहीं कहा कभी मुझे। नहीं, और कभी ये भी नहीं कहा तुम दोनों नीचे आओ, नीचे आओ, दो मिनट में नीचे खबर करो। और हम कभी डरे नहीं है, हमने कहा आज कुछ होगा। इसलिए मिस्टर फरकान हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बेटा और मेरी बेटी हैं बैठी हुई, तो इनको पहले सबसे पहले सलाम। वालेकुम, बहुत अच्छा लगता है आपका। जी मेरा सेकंड थर्ड टाइम आपके साथ। थैंक यू सो मच। जी जी जी, आप पहले भी एक दफा कॉल। मिसेस फरहत हलीमा को आप बाजी कह सकती हैं? हलीमा और आपकी उम्र तकरीबन बराबर होगी। मेरी बेटियों के बराबर है बेटा। नहीं नहीं, ये झूठ बोलती है, इसके चार बच्चे हैं आप दोनों। और देन उसके बाद डॉक्टर उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, आप शायद जान गए मिसेस फरहत इनामुल्ला, माशाल्लाह ये मेरे डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे, माय फेवरेट डॉक्टर। अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और कामयाबी दे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इन्होंने मेरी कोलोनोस्कोपी
थर्ड टाइम की थी और इतना माशाल्लाह माशाल्लाह इनका प्यारा स्टाइल था कि मैं वो भी होशी में भी इनके साथ बातें करती थी। डॉक्टर शायद आप जान गए होंगे। देखिए वो सारी हमारी मेरी और आपके दरमियान की बातें हैं। बेहोशी में तो इंसान वैसे भी सच बोलता है। बात आज तक एक दो साल पहले डेढ़ साल हो गए मेरी इस सर्जरी को, बाद में डॉक्टर रिजवान ने की थी, शायद डॉक्टर उस्मान जान रहे हैं मुझे। तो ये डॉक्टर उस्मान है माय फेवरेट डॉक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में कोई अच्छे डॉक्टर मुझे मिले हैं तो ये भी अल्लाह की ब्लेसिंग। आप बेशक डॉक्टर रुबिया से नहीं मिली, कहते वो भी फेवरेट है उनके, आपको से आंसू आ रहे हैं। डॉक्टर उस्मान की जो आप कह रही है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और हलीमा बाजी आपकी और हमायूं बेटा आपके लिए हमेशा दुआएं करता रहेगा। जी जी आपका चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत पसंद है, मैं देखती हूँ और आज तो आपने चार चांद लगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जब मैंने इम्तियाज से सवाल से पहले मैंने इम्तियाज से कहा कि मैंने कहा रियली वांट देम बिकॉज़ ये दोनों अब मौजूद है, मैंने इनसे ट्रीटमेंट कराया तो मुझे पता था, तो मैंने इम्तियाज से कहा कॉल देम एंड प्लीज आई वांट किस वीक आए, तो मुझे मैंने उसे बता दिया, उसे मुझे वहाँ फोन कहते हैं रुबिया ने तो फोन ही नहीं उठाया, मैंने कहा सॉरी ये मैं भूल गया था बताना कि तुमने कॉल इनको करनी है, उसने फोन कभी नहीं उठाना, उस खातून ने कभी आपका फोन अच्छा नहीं उठाना। दो सवाल है डॉक्टर साहब आपसे, एक तो ये कि बच्चों को जो गैस हो जाती है, आजकल की जो यंग मदर्स हैं वो फक्की पे बिलीव नहीं करती, वो कहती हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन घर में जो बुजुर्ग अफराद होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि हमने भी अपने बच्चों को दी थी बिल्कुल ठीक, तुम फक्कियां नहीं खाते हो। यंग मदर्स नहीं चाहती कि उनके टॉडलर्स को या उनके इन्फेंट्स को आप जो है वो फक्कियां दें, क्या फक्की देना ठीक है? थोड़ा बहुत दर्द हो तो दे सकते हैं पहली चीज, और दूसरी चीज ये कि उन्होंने पूछा था कि हार्ट पेन और गैस पेन में क्या फर्क है, वो भी प्लीज। ठीक है, कैन यू होल्ड योर थॉट, वी कैन टेक अ कॉलर अहमद और फिर आपसे आप इसका हलीमा के सवालों के जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, गुड मॉर्निंग। हेलो अहमद, टेलीविजन की आवाज बंद कर दें ताकि आप हमारी आवाज सुन सकें। जी जी, मेरा सवाल ये है जी। जी जी, तो माशाल्लाह आपके जो आज दोनों डॉक्टर्स हैं वो और एंकल्स के दरमियान स्मार्ट टेस्ट और ड्रेस का अच्छा मुकाबला। थैंक यू सो मच, मुझे रिसेंटली किसी ने स्मार्ट कहा है। और आई एम श्योर कि माशाल्लाह ये डॉक्टर्स भी अगर इनको मौका मिले एंकर बनने का तो इनकी परफॉर्मेंस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। ट्रू ट्रू, इनकी जोड़ी हमें टक्कर दे सकती है। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि आमतौर पे समझा जाता है कि गैस के जितने मसाइल हैं उनका इलाज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास ही होता है। जी। मुझे कुछ तरह की बार दफा शिकायत, वो गैस मुझे इस तरह महसूस होती है कि वो मेरे दिमाग पे असर कर रही है। ठीक है, चढ़ी है दिमाग पे। ठीक है, हाँ दिमाग पे गैस चल रही है, तो इस पे डॉक्टर साहब क्या एडवाइस करें? ठीक है, आपसे एक सवाल मैंने पूछता है, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है, पूछ सकता हूँ? जी जी। आप रिटायर्ड ऑफिसर, ऐसा दुरुस्त है? जी बिल्कुल, मैंने आपकी आवाज पहचान ली है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आज उन्होंने कॉल की है। he was one of the very good rank, फौज से ताल्लुक है इनका और आरफा के वालिद साहब है ये। really? और ये बड़े शौक से हमारा शो देखते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप भी मेरा शो देखते हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं है। अंकल आपको बहुत बहुत सलाम, बहुत शुक्रिया। पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स, वो बड़े रिजिड चीजों के बारे में ठीक नहीं है, ये नहीं है, और अगर उन्होंने तारीफ की है तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें। मैं हलीमा फकियों की तरफ ना, मैं डॉक्टर कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, द रीजन बीइंग के उस फकी में डाल क्या रहा है, अगर आपने हकीम से ली भी है ना तो आई विल ऑलवेज से नो। ठीक है, हाँ जो जिस तरह नानियाँ दादियाँ आपने कहा ना विद एक्सपीरियंस दे नो कि जी सौंफ खिला दिया, ये करा, अजवाइन दे दी, जो घर में तैयार हुई जिसका आपको पता है कि उसके अंदर क्या गला है, तो यस फाइन, वो हम कुछ एज क्विक रेमेडी
ठीक है। बच्चों में वो इसलिए हो जाते क्योंकि कॉलिकी बच्चे होते हैं ना, पेट दर्द और ये इस तरह गैस वगैरह हो जाए। लेकिन मैं हमेशा कहूँगा कि यार हर्बल या ऐसी चीज़ कोई भी जिसमें आपको पता नहीं है कि उसके अंदर है क्या ना, ट्राई एंड अवॉइड। हाँ, जिसके साथ साथ ये भी मैं कहूँगा उन यंग मदर्स के लिए कि हर बच्चे को एलोपैथिक दवाई की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा। डॉक्टर के पास पीडियाट्रिशियन जो होते हैं ना अच्छे, वो सारे यही होते हैं कि वो आपको एडवाइस दे के ये बता सकते हैं कि यार ये मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, रिलैक्स, सिर्फ पेनाडोल पैरासिटामोल इस तरह की चीजें दें, ग्राइप वाटर। बड़ी अच्छी बात है, यानी कि आपको डॉक्टर का पता चलेगा ये अच्छा है कि नहीं। अगर बच्चों को बड़ी बड़ी दवाइयां दे रहा है, दैट मींस रेड क्रॉस। क्यों बच्चों को ना, बहुत ज्यादा हम दवाइयां नहीं देते, लेकिन डॉक्टर का ये काम जरूर आपको बता दे यार खतरनाक है या नहीं। लेकिन अजवाइन से मैं आपके खिलाफ हूँ। कल मेरे वालिद साहब को पेट में दर्द था, तो हम अजवाइन पे बहुत रिलीजियसली बिलीव करते हैं, बहुत ज्यादा। तो हमारे घर खत्म हो गई थी, तो मैंने इसे बता रहा, सात वाले जो है हमारे वो दे कांट स्पीक, दे कांट हेयर, ठीक है, वो अब ना बोल सकते ना सुन सकते हैं। अब मैंने उससे मांगनी थी अजवाइन, तो मैंने उससे मैंने कहा सूंघने वाली, मैंने कहा नहीं सूंघने वाला वो है न्याज, वो होती है ना, तो मुझे लगा पता चल गया ये तो वो कह रही है। मैंने उससे कहा नहीं अजवाइन होती है, फिर उससे मुझे अजवाइन दी, तो मैंने कहा मेरे भुगत पेट का दर्द ठीक हो गया। अब आपसे सवाल मेरे ख्याल में अलीमा ने जो उन्होंने किया था, व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? मैंने हार्ट और गैस के प्रॉब्लम, हार्ट और गैस के डिफरेंस क्या है, ये वही टेकिंग ऑन जो हमारी अर्लियर डिस्कशन थी कि ना अगर आपको चेस्ट पेन हो रही है साथ रेडिएट कर रही है नेक में या आर्म में या सांस का, कार्डिक आप उसको जरूर रूल आउट करा लें, क्योंकि वही जिस तरह हमने बात की कि अगर ये हाँ एक 10 साल के बच्चे को हो रही है तो फिर मोस्ट लाइकली इट्स गैस कॉन्स्टिपेशन और आपकी हिस्ट्री, क्योंकि ये नहीं होगा कि आपको पहला सिम्टम हो कि दर्द है, उससे पहले गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में आपको कुछ तेजाबियत रहेगी, कोई कब्ज हो सकती है, डायरिया हो सकता है, फर्स्ट सिम्टम जनरली ये नहीं होगा। अगर आप हैव अ गुड फिजिशियन, बिकॉज़ देखिए एक चीज मैंने नोटिस की जो पाकिस्तान में कॉमन मसला है, हम तब जाते हैं डॉक्टर के पास जब इट्स टू लेट वाला सिंड्रोम, आखिरी मराहल में होते हैं, बस ट्रस्ट, अब स्ट्रेचर पे लेके जाएंगे, लैक ऑफ ट्रस्ट भी होता है, आई गेट दैट, फियर होता है कि जाएगा डॉक्टर पकड़ लेगा, लंबे लंबे टेस्ट लिख देगा, बहुत पैसे खर्च करवाएगा वगैरह टाइम, राइट, दवाइयां लिख देगा, टेस्ट लिख देगा। अच्छा रुपया, एक बड़ा सवाल जो मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था, मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, हम अदाकारों को देखते हैं, हम ये और हम भी देखते हैं और हमें भी लोग देखते हैं, और लोग कहते हैं कि यार ये डेली ब्लो ड्राई करते हैं, इतना कुछ इनके सरों पे होता है, इनके बाल नहीं गिरते, ये क्या वजह है? वो ये नहीं देखते उनके पीछे क्या प्रोसेस करते हैं, वो क्या क्या गोलियां खाते हैं क्या। सो आई वॉन्ट टू नो, ये जो हमारे बाल तेजी से गिरते हैं, एक तो इसकी वजह क्या है, और ये जो अदाकारों को हम देखते हैं उनके बाल नहीं गिरते सब कुछ प्रोसेस करने के बाद, ये पूरा इसकी हमें स्टोरी बताएगी? तो गिरने वाले बाल है ना मेरे, तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सारे ओरिजिनल और नेचुरल बाल हैं, 7-8 बाल हैं, लेकिन हैं अपने, तो ये बालों के हवाले से बताइए। नहीं सो देखिए, एक एलिमेंट जो मैंने बहुत कॉमनली नोटिस किया है, देखिए कुछ जेनेटिक चीज़ें हैं, मेल पैटर्न बॉल्डनेस, फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस, उससे आप नहीं बच सकते। सो इफ़ यू हैव अ गुड स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, नाना दादा पेरेंट्स, अगर उनमें है कि भाई उनका एक स्पेसिफिक हेयर पैटर्न लॉस था, सो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद द पेशेंट एंड आस्क देम एंड देन टेल देम कि भी एक हद तक विल बी एबल टू हेल्प यू, बट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट यू विल हैव टू गो टुवर्ड्स ट्रांसप्लांट इफ यू आर मेल, एंड फीमेल्स में वी हैव सर्टन अदर ट्रीटमेंट्स दैट वी कैन ऑफर। अच्छा, दूसरी चीज है हमारा लाइफस्टाइल। सो वी हैव अ रियली स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, जनरली स्पीकिंग, वी ऑल हैव मल्टीपल जॉब्स, वी ऑल हैव मल्टीपल रोल्स, वी ऑल हैव मल्टीपल थिंग्स दैट वी आर जगलिंग, और हमारा एक दिन जो है वो 24 घंटे का है, लेकिन हम काम मच मच मोर कर रहे हैं उसके अंदर। और ये आप किसकी बात कर रही हैं? पाकिस्तानियों की बात नहीं हो रही है कि हम मच मच मोर काम कर रहे हैं, हम सिर्फ वो काम चीज़ जिसमें कोई काम नहीं कर रहा। मुझे वो बीमारी थी कि आई वाज डूइंग अ लॉट, यू डूइंग टू मच, टेल देम एवरीथिंग। सो ये बाल इस मौसम में क्यों इतने गिरते हैं? मुझे सारे कॉल भी लेंगे, लेकिन व्हाई? ये मैंने बड़ा गूगल किया, मुझे पाकिस्तानियों ने बहुत तंग किया इस महीने में ये बाल बात कर करके। साइंस डज नॉट से एनी सच थिंग लाइक कि सावन में ज्यादा बाल गिरेंगे नहीं गिरेंगे, लेकिन आई नो और मैं इस चीज को नहीं कॉन्ट्रडिक्ट करती, शायद गिर जाते हैं। दूसरी बात है कि लैक ऑफ केयर, आई थिंक इन दिस वेदर वी आर वॉशिंग इट एक्सेसिवली, वी आर ड्राइंग इट एक्सेसिवली, पसीना कैन बी कि रूट्स आपके कमजोर होते हैं, होता है ये कमजोर रूट को ऐसा सच नहीं कर सकता मेडिकली, बट देयर इज लॉट्स ऑफ स्टफ जो मेडिकल साइंस को पता नहीं है। आर यू मेकिंग अ वीडियो ऑन इंस्टाग्राम ऑन मी कि मैं कितना जाहिल हूं? मैंने आपसे कहा कि जिस तरह का आपने शक्ल, मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि पसीने से रूट्स कमजोर हो जाते हैं। हम यहां पे मिसेस तारिक की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं मिसेस तारिक आप? जी मिसेस तारिक, क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? अब तो जी मरकज को अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्या पूछना चाह रही हैं? उस्मान से है। अच्छा, एक तो ये है कि ये कहाँ पे बैठते हैं, इनका हॉस्पिटल और वो मुझे चाहिए। अच्छा ठीक। और दूसरा ये है कि मेरे ये पेट में आंतों में इन्फेक्शन जो हुआ है। अच्छा, इसके क्या रीजन है? क्योंकि मेरे मेदे में
स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हुई थी और फिर डॉक्टर ने मुझे टेस्ट रिकमेंड किए थे जिसमें मेरा आई थिंक CRP हाई आया है। मिसेस तारिक कैन यू होल्ड, मैं चाहूँगा डॉक्टर उस्मान आपसे मुखातिब हो जाए और वो आपसे कुछ पूछना चाहे प्लीज। अच्छा ये इस तरह की डिस्कशन जाहिरी बात है कुछ चीज़ें होंगी जो हम कॉन्फिडेंशियल आपस में पेशेंट और डॉक्टर एक बंद कमरे में करें। आप इस वक्त बेहतर हैं या अभी तक आपको इन्फेक्शन के सिम्टम्स भी हैं? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बेटर नाउ। चलो ये अच्छी बात है क्योंकि ना आजकल के मौसम में जिस तरह है ना पाकिस्तान में इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा है, उसमें टाइफॉइड भी है, हेपेटाइटिस भी है, मैदे के वैसे भी हाजमे हैं और मैदे की इन्फेक्शन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये एक बार ट्रीट हो जाए ना तो ये इन्फेक्शन ख़त्म हो जाती होती है, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद उसे हम कहते हैं पोस्ट इन्फेक्टिव IBS या पोस्ट, आप समझ लें कि आपका मैदे का सॉफ्टवेयर ज़रा ख़राब हो गया है। अगर आपको बुखार बेहतर हो गया है, आपकी सिर्फ थकावट रह गई है या सिर्फ हाजमा थोड़ा सा ख़राब रह गया और टेस्ट ठीक हो गए हैं तो सिर्फ उसको टाइम दें, थोड़ी सी एहतियात करें खाने पीने की, लाइफस्टाइल जिस तरह मसाले और ज़रा बहुत हैवी फाइबर चीज़ें इनसे अवॉइड करें, दही वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें। हाँ अगर दर्द ज़्यादा हो रही है, बुखार हो रहा है तो बिल्कुल डॉक्टर को दिखाएं। हम क्या कहते हैं, मैं और डॉक्टर साहब हम वी आर एट मारूफ हॉस्पिटल इस्लामाबाद, लेकिन देर आर अदर सेंटर्स एज वेल, सो आप किसी भी जगह किसी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से दिखाएं और इंशाल्लाह अल्लाह खैर के अल्लाह बेहतरी होगी। आप उम्मीद है मुतमईन हो गई होंगी मिसेस तारिक। जी जी थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अगर किसी और ने भी इन दोनों को जाके दिखाना है तो F10 में मारूफ हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये दोनों जो हैं वो मौजूद होते हैं 9 बजे से 5 बजे तक, दोनों सही बता रहा ना, जो है सुबह से लेकर शाम तक मौजूद होते हैं, लेकिन इनका अदर देन दैट कोई क्लिनिक नहीं है जहाँ पे आप शाम को जाके दिखा सकें। अगर आपने दिखाना है तो इनसे, लेकिन रूबिया को आपने उसी औकात में जिसमें होती है जाइएगा, कोई कॉल इन्होंने आपकी नहीं उठा ली, ठीक है। बट आप वैसे आप तो आधी गैस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं बन गई, जो जो कह रहे थे आप इस तरह, हाँ कहते हैं हाँ ये भी इस तरह उसकी वजह है क्योंकि शी इज अ क्वालिफाइड GP, जो आपका सवाल था ना प्राइमरी क्वालिफिकेशन वॉज GP एंड उन्होंने मेरी फरमाइश पे डर्मा उसके बाद की। अब तो हम आपको और लाइटली लेंगे, हम आपको और हैवी कर देते हैं। जो आपके फर्स्ट कॉलर ने जो बात की थी ना, जो मेरे फेवरेट कॉलर है कि जी कराची में डॉक्टर क्यों आप बैठ जाते हैं क्लिनिक बना के, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन नहीं है, बाहर के दुनिया में GP इज अदर डिग्री। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन। बट आंट यू आल्सो GP एंड देन यू मूव फॉरवर्ड? नहीं, इंटरनल मेडिसिन हम करते हैं पहले, एज ये बाहर यही है कि पहले आप इंटरनल मेडिसिन स्पेशलाइजेशन करते हैं, उसमें आप ख्वार होते हैं काफी 5-6 साल। MBBS जो है? नहीं, उसके बाद स्पेशलाइजेशन तो है। मेरा पहला MRCP जो था वो मेडिसिन में था, उसके बाद मजीद मैं 6 साल जो ख्वार हुआ हूँ वो जो है वो बिल्कुल बीच में आ जाती है। अच्छा उमर, मैं कह रही थी जो है वो बिल्कुल बीच में आ जाती है। दवाइयाँ जो है, कुछ दवाइयाँ लोग इसलिए भी लेना पसंद नहीं करते डॉक्टर साहबा, कि वो कहते हैं कि जी ये उम्र भर के लिए हैं दवाइयाँ, बिकॉज जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ अमराज ऐसे होते हैं, अब आप GP भी हैं तो उसके हवाले से भी मैं सवाल कर रही हूँ, जिस तरह डॉक्टर साहब का जो शोबा है, अगर आपका लिवर जो है वो काट दिया गया है या बहुत सारे और मसाइल होते हैं तो उसके बाद आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं आपका फूड डाइजेशन में हेल्प करने के लिए, तो लोग जो है वो बहुत उससे चोर होते हैं, क्या वो दवाइयाँ लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, या अपने लाइफस्टाइल को ऐसा मॉडिफाई कर लेना चाहिए कि उन दवाइयों की आपको ज़रूरत ही ना पड़े? सो इट हैज़ टू बी अ लिटिल बिट ऑफ बोथ, लेकिन कुछ दवाइयाँ आपके लिए एसेंशियल होंगी। अब ये इस तरह, जैसे अगर आपको डायबिटीज डायग्नोज हो गया है, थायराइड प्रॉब्लम डायग्नोज हो गया है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है या आपको हार्ट अटैक हुआ है, तो दीज मेडिसिन आर सेविंग योर लाइफ, ये आपकी लाइफ सेविंग मेडिसिन। अच्छा GP होने का, सो इंटरेस्टिंग कि उसी से कन्वर्सेशन कैरी ऑन हो रही है, अच्छा GP होने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इफ यू हैव अ गुड GP वो आप पे वक्त फक्त चेक करता रहेगा कि जनरल फिजिशियन की बात हो रही है, अगर किसी को GP का वो आपको चेक करता रहेगा कि आप कोई अननेसेसरी दवाई तो नहीं ले रहे लॉन्ग टाइम पीरियड की, क्योंकि कुछ दवाइयाँ महदूद मुद्दत के लिए होती हैं, कुछ फॉर एवर एंड एवर होती हैं। दूसरी चीज़ ये कि अच्छा GP ये भी बताएगा कि यू कॉन्ट स्टॉप दिस, यू कॉन्ट लीव दिस। जैसे अक्सर जो टैबू होता है वो मेंटल हेल्थ में हम बहुत देखते हैं, सो वी हैव अ वेरी फ्रैंक कन्वर्सेशन विद द पेशेंट कि दीज पिल्स आर नॉट हैप्पी पिल्स। ये ऐसे नहीं आज खाई मैं खुश हो गया, नहीं खाई तो नहीं खुश, उदास हो गया, ऐसे नहीं, डजंट वर्क लाइक दैट। हैविंग सेड दैट, हम ये भी गाइड करते हैं कि जैसे 6 महीने की मुद्दत तक ये देते हैं एंड देन वी वीन यू ऑफ ऑफ इट आफ्टर फर्स्ट इंसिडेंट्स ऑफ एंग्जायटी एंड डिप्रेशन।
रिकरेंट पेशेंट्स की और गाइडलाइंस है। सो हर चीज़ की सबसे मज़े की बात है कि गाइडलाइंस बहुत क्लियर हैं। गुरु ने बहुत मेहनत करके बहुत क्लियर हमें फॉर्मूले बता दिए कि सिचुएशन बहुत रिसर्च किया उसके ऊपर, लेकिन हम यहाँ पे वो पढ़ना अफोर्ड नहीं करते। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमें किचन में पाएंगे, किचन में जो कुछ बन रहा है देखेंगे। आज लोग ज्यादा है, पता नहीं खाना ज्यादा बनना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है इनका एपेटाइट बहुत ज्यादा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन टेक अ ब्रेक एट एक और सब हुमायूं रलीमा के साथ। वेलकम बैक टू द शो। एक सवाल जो मैं इन दोनों से काफी अरसे से करना चाह रही थी और मैं सोच रही थी कि जब आए जब आएंगे तो मैं पूछूंगी। कोई 6-7 महीने से मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो पाकिस्तान से ना खुश होते हैं। वो बात समझ में आती है बिकॉज हमारे इकोनॉमिक हालात और ये सारी चीज़ें इस किस्म की हैं कि हम लोग शायद दिल से पाकिस्तान से उस तरह से खुश नहीं है जिस तरह से हमें अपने वतन से होना चाहिए। लेकिन हर बंदा इतना ग्लैमराइज करता है बाहर की ज़िंदगी को। हमारे तो बच्चे कह रहे हैं हम तो बाहर जाएंगे। मुझे ये जानना है कि जो लोग बाहर थे वो बाहर से पाकिस्तान क्यों वापस आए, और ये जो मेंटालिटी है कि हम बाहर जाएंगे और सब कुछ एकदम से ठीक हो जाएगा, जब हम वापस आएंगे तो हम यार रोल्स रॉयस में फिरेंगे, वो वाकई क्या असल में होता है या नहीं होता? आप लोग क्यों वापस आए? You have to answer the first part, because उसी का डोमेन है। yeah, देखें, हर किसी की लाइफस्टाइल चॉइसेस होती हैं, हर किसी के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। थैंक यू। तो इसलिए इसमें ना देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर। मैं इसमें ये जरूर कहूंगा, आप मैंने देखा है कि आप ना किसी को कन्विंस कर सकते, आइदर वे कन्विंस नहीं कर सकते। जिन्होंने बाहर जाना है उन्होंने बाहर जाना है, जिन्होंने बाहर यहाँ आना है उन्होंने बाहर जाना है। एक बात आपको बताऊँ, जो लोग वहाँ पे रह चुके हुए हैं ज्यादा 10-15 साल, आप उनसे पूछे ना तो सब में एक थोड़ा सा कीड़ा होता है कि यार पाकिस्तान वापस चलते हैं। तो डीप रूटेड आपके अंदर एक कोई चॉइस आती है, कहीं बंदों में तो चलो ठीक है खवातीन में नहीं कहता, उसमें वो चॉइस वो आती है कि यार अपने मुल्क चलते हैं। नॉट दैट आप वहाँ पे अनहैप्पी हैं, इट्स अ वेरी गुड लाइफ, डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर है, क्योंकि आसान स्ट्रीम लाइन है ना। अब आप मुझसे अगर पूछें कि जी मुझे वहाँ पे कोई सोचने की ज़रूरत है कि जी चलान कहाँ से भरता है या गाड़ी कहाँ से जाऊँगा, एग्जैक्टली वो काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर। हर बंदे की अपने एक रीज़न, मैं तो मशवरा सबको देता हूँ, मेरे पास जो भी दोस्त अभी भी पूछ रहे हैं कि यार हमने भी वापस आना है, मैं कहता हूँ यार आप अपने ना जहन में 2-3 चीज़ें बताएं कि आप पाकिस्तान वापस क्यों आना चाहते हैं। क्योंकि अगर पैसे रीज़न है तो इट विल आप मैच नहीं कर सकते, तो आपने खुद ही डॉलर देख लिया, तो फिर आप घाटे का सौदा नहीं, घाटे का सौदा नहीं, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। हाँ। मुझे तो ये नहीं बताया था, आप तो आते हैं, करोड़ों कमाएंगे, अपनी वैल्यूज देखेंगे आप अपनी वैल्यूज देखेंगे। हाँ। आप देखेंगे कि जी मेरा रीजन क्या है, वो मुल्क की मोहब्बत भी हो सकती है, वो अपने लोगों की खिदमत भी हो सकती है। मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान एक अमेजिंग मुल्क इसलिए है, अब मैं प्राइवेट सेक्टर में बैठता हूँ, मुझे लोग आके पैसे देते हैं मुझे दिखाने के लिए, और उसके बाद जितनी दुआएं देके जाते हैं, मैं कहता हूं यार ये तो उस्मान ये मुझे लगता है प्रायोरिटीज की बात भी है, आपके सेट गोल्स की बात भी है। अगर आपका सेट, मुझे लगता है कोई कदगर नहीं है अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, देयर इज कंप्लीटली फाइन, बट इफ यू वांट टू कम बैक टू कंट्री एंड सर्व योर कंट्री, कंप्लीटली फाइन ऑल ओवर अगेन। ये आपकी सोच पे, आपने पैसे को प्रायोरिटी रखनी है, आपने अपने घर वालों को प्रायोरिटी रखनी है, आपने अपने इलाके को प्रायोरिटी रखनी है, तो डिपेंड्स ऑन योर रोल्स रॉयस वाली बात। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये रियलिटी चेक बहुत जरूरी है, जो मैं हर एक को बताऊंगी, क्योंकि वी हैव एक्चुअली रिसेंटली कम बैक। देखें, इट्स नेवर गोइंग टू बी इजी रिगार्डलेस, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि वहां से हम जो है मुरब्बे बना के लेकर आएंगे, ये मैं पूछना चाह रही थी, ये मेरा पॉइंट। सो आई कांट स्पीक फॉर एवरीवन, बट आई कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ डॉक्टर्स, क्योंकि वी आर मोर और लेस इन द सेम बोट, सिमिलर अर्निंग्स। बाहर बहुत ट्रांसपेरेंसी है, बाहर हमें हर एक की तनख्वाह पता है, क्योंकि इट्स सो ट्रांसपेरेंट कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट मेकिंग दिस मच, जीपी इज मेकिंग दैट, ओ माय लॉर्ड यू सेड समथिंग, एग्जैक्टली, सो वी नो एग्जैक्टली हाउ मच एवरीवन इज मेकिंग। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल हैव टू शो ऑफ, बिकॉज वहां पे ये टेंडेंसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है किसने, और एक आप लाइन में लगे, अगर आप जूनियर डॉक्टर यू मेकिंग लेस, 5 साल के बाद आप सीनियर होंगे यू विल मेक मोर, इट्स नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। दूसरी चीज ये कि जो हार्ड अर्न सेविंग, जैसे एक वर्किंग क्लास पर्सन जो हार्ड अर्न सेविंग्स लेकर आता है,
वो कम ज़्यादा रोल्स रॉयस वाली बात आ ही नहीं सकती है. वी आर द पीपल, वी आर द चक्की पीसिंग पीपल. वी मेक अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी फॉर आर रेनी डे, फॉर आर लग्जरी. हम उसको कभी लग्जरियस लाइफ में भी, प्रिटी थिंग्स में भी खर्च करते हैं. एंड गिव टैक्सेस फॉर द गोरास टू हैव अ फैसिलिटेटेड लाइफ. और हियर एज वेल वी पे टैक्सेस, हियर एज वेल वी थिंक मायो, वी पे अ लॉट ऑफ टैक्स. बट फॉर हू आई विल नॉट गोइंग टू टेल दैट, सॉरी. दैट इज नॉट फॉर दिस शो टू डिस्कस. कांट से द पॉइंट इज दैट दैट हार्ड अर्न मनी इज अगेन योर प्रायोरिटी, हाउ यू चूज टू स्पेंड इट. सो सम पीपल विल लाइक टू हैव अ शोशा वाली गाड़ी, रोल्स रॉयस भी हो, बड़ा घर हो, एवरीथिंग. सम पीपल विल से नो, आई वांट टू सेट अप अ क्लिनिक. रुपया सिर्फ ये बात मैं आखिर में करके फिर हम कॉलर भी लेते हैं. ये ऑन अ कॉस्ट ऑफ समथिंग. अगर आपने पैसा कमाना है तो आपकी प्रायोरिटी पैसा है, फिर आप जाएंगे. yes. अगर आपने फैमिली के साथ रहना तो ऑन द कॉस्ट ऑफ दैट आप फिर फैमिली के साथ रहे. हर चीज एक साथ मिल नहीं सकती. भाइयों मैं आपको रियल लाइफ बताता हूँ. रात को 3 बजे अगर वहाँ फोन बजता था ना, तो उसके बाद मैं सो नहीं सकता. आई नो दैट फीलिंग. और वो फिर मैं फनेटिकली, क्योंकि वाले साहब को ना बट डायल करने की बहुत आदत है. वो मोबाइल जेब में डाल देता है तो वो खुद ही डायल होता रहता है. तो जब वो होता था ना, तो मैं उनको फिर मैं नफल मांग के फोन वापस करता था कि यार आप मुझे बताएं सब कुछ ठीक है, अच्छा कॉल मिल गई थी, सॉरी यार. तो वो जो स्ट्रेस होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट. अच्छा मेरे घर वाले तो आई लव देम किचन में जाते हैं, वो आई लव देम कि माशाल्लाह वो कॉल सिर्फ इसलिए करके थे, हेलो हाँ किधर हो, अच्छा ओके ओके अल्लाह हाफिज़. क्या हाल है, मैंने कहा अम्मी 15 मिनट पहले हम बात कर, हाँ और मेरे कहा चले ओके अम्मी, अच्छा ओके हम चलते किचन में, हम किचन में चलते हैं. ठीक है जी. समीना जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि क्या आपके प्रोग्राम में एक बंदा 2 बार कॉल नहीं कर सकता? क्यों नहीं, 4 दफा कर ले यार, कोई मसला नहीं है. आप दोबारा कॉल कर ले, कोई मसला नहीं है. कल मैंने कॉल किया था, मैं पूछना चाह रही थी, यही पूछना चाह रही थी कि मलका के मसाले अगर हम भावलपुर में परचेज करना चाहें तो किस स्टोर से मिल जाएंगे? ठीक है, आप vitalshop.pk से ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती हैं मलका के मसाले, vitalshop.pk से भी. और मैं इंशाल्लाह ताला अब आपको भावलपुर का स्पेशली बताऊंगा मंडे को, या अभी थोड़ी देर से टीम से पूछ के बता दूंगा कि भावलपुर में स्टोर किससे मिल सकते हैं. ठीक है जी, वरना ऑनलाइन वाइटल शॉप जी. कल 15 मिनट पहले मैंने कॉल किया था तो उन्होंने कहा कि एक बंदा प्रोग्राम में 2 बार. वो पता है क्यों? क्योंकि फिर लोग शिकायत करते, सुनिएगा मैं बताता हूँ. शुक्र पता है लोग फिर शिकायत करते हैं कि आप लोग बाकियों की कॉल लेते हमारी लेते. आप ये सुनिएगा, आपने अगली बार उठा लेते हैं हमारी नहीं. अगली बार कॉल करनी है आपने कहना है हलीमा और हुमायूं की सिफारिश पे कॉल कर रही हूँ. सिफारिश भी तो एक चीज जिंदगी में बनी है ना. ठीक है, इसके अलावा अगर टाइम है तो मैं थोड़ी सी हमदे बारी ताला सुनाना चाह रही हूँ आपको. जी जी जरूर सुना दे, पर एक शेर सुनाइए ताकि दूसरे लोग को मौका मिल सके. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. सूरज में चमक तेरी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने नात पढ़ी, बहुत अच्छा लगा. आवाज आपकी माशाल्लाह बहुत ज्यादा खूबसूरत है. क्या बना रही हो? आपने भी हमें कुछ बना के अपने घर इनवाइट करना था, खुदा का वास्ता है आप. बातें बनाते हैं? नहीं नहीं सीरियसली नहीं, हमने सुना डॉक्टर रूबिया बहुत अच्छा खाना बनाती हैं. बताओ क्या डाला जी? अब मैं बताती हूँ, हम फजीता पास्ता बना रहे हैं. ठीक है, उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था, उसमें मैंने 1 मीडियम साइज अनियन है चॉप वो डाली है, गार्लिक था मेरे पास जूलियन कटेड उसको मैंने बारीक बारीक कटा हुआ था उसको डाला है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च डाल के इसको थोड़ा सा सौते किया, और अब मैंने इसमें डाल दी है चिकन जो मैंने क्यूब्स की फॉर्म में काटी हुई थी वो डाल दी. क्या हो रही है? एक बादाम, सॉरी 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 कह दिए कुछ कहते, क्या हो रही है? मैं तो ये देख रहा हूँ कि हबीब ऑयल का डब्बा जो है ना वो बिल्कुल वही रिसाइकल होता है जूतों में. आवाज कट गई है, आवाज कट गई है. क्यों बना रही है हबीब ऑयल में आप खाना?
क्योंकि ये दिल का मामला है। क्यों बना रहे हम? क्योंकि ये दिल का मामला है। वेरी गुड रुबिया, आपको इसके हम 150 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। अच्छी लगती है। अच्छा आपके बच्चे हैं, उनसे कहिएगा इंडोमी नूडल्स खाएं, दे वेरी गुड। ओके, पैकेट का साइज चेक करें आप। वैसे नूडल्स उनका एक फेवरेट फूड ग्रुप है। आप साइज चेक करें जरा, आप कुछ बताने लगी एमन। ये जो है इसकी सर्विंग बहुत ज्यादा होती है इंडोमी की। हलीमा, एमन ने आपसे दरखास्त की कि मैं बता दूं क्या डालना है। हाँ जी जी ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने चिकन डाल के उसको थोड़ा सा सौते किया था, साथ ही मैंने अदरक लहसुन का 1 टेबल स्पून पेस्ट डाला है। ये मैं डाल रही हूं इसमें। हाँ ठीक है, आपने किया। 1 टी स्पून ब्लैक पेपर गया टांगों के। हाँ हाँ ठीक है, आपने किया। और उसके बाद ये हम इसमें लेंगे 2 टेबल स्पून सोया सॉस। कपड़े के जो खातिन को क्या क्या झेलना पड़ता है। He always ruin his clothes. हर फ्राइडे क्या डाला ये? एक चीज होती है जैसे 1 टेबल स्पून हॉट सॉस है, एप्रिन चिली सॉस, वो पहन लिया। ये चिली सॉस डाल दिया जी। 3 टीस्पून 2 टेबल स्पून ठीक है। और ये हमारा जाएगा 1 टीस्पून ऑरिगेनो। ऑरिगेनो कैसे पता चला मुझे? देख के ऐसे अंदाजा हुआ मुझे। तो अच्छा, आपको क्या खाना खाने का वलायती खाना खाने का या सॉल्ट मलका? वो खाना खाने का जो मुझे बनाना ना पड़े। मलका का शौक है, खाना खाने का शौक है। वन टीस्पून ऑफ पेपरिका पाउडर। अच्छा पेपरिका पाउडर ठीक है जी, बस दैट इज इट। ये हमारी इसकी सारी चीजें डल गई हैं। डल गई हैं। अब हम एक कॉल ले लेते हैं। आप ले लीजिए। समीना आंटी है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हलीम? ओए इतने अरसे बाद कॉल किए यार। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक। ये मेहमान बड़े अच्छे बुलाए हैं आपने। पहले तो मैं पूछना चाह रही थी कि ये मैडम इनकी मिसेज है? जी ये जी, इन्हीं की मिसेज है। ये इन्हीं की मिसेज है। तो माशाल्लाह ये तो बिल्कुल इतनी प्यारी लग रही है, खूबसूरत है। और ये क्या इनके क्या डाइट क्या करती है, ये क्या वजह होती है? खवातीन यंग रहती है, उम्र मैं इसकी रीजन बता देती हूँ यंग रहने की। ये इतना एक्सरसाइज करती है कि अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज की वीडियो देखें तो आप बेहोश हो जाए। ये मैं आपको वाकई बता रही हूँ। ये बात संजीदा है। रोजा रख के जितनी एक्सरसाइज डॉक्टर रूबिया करती है। समीना जी छोड़े क्या करना एक्सरसाइज करके, छोड़े खाएं पिए ऐश करें। एक दिन तो सबने चले जाना। हाँ, जाना तो सबने ही है। सिगरेट वाले वाली बात नहीं है, प्रमोशन करनी है। हाँ छोड़े खाएं पिए फिर डॉक्टर साहब के साथ जाए। ना जाए किसने कहा डॉक्टर पास के जाए, पेट के वट को अजवाइनों से ठीक करें। अजवाइनों से किधर ठीक होता है, फिर डॉक्टर साहब की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, फिर उसके जो आप पता नहीं वर्जिश करें, अच्छा खाना खाएं। कॉल कट गई। अच्छा वी आर स्टार्टिंग सेवैयाँ, ठीक है, हमने बनानी थी इसको। हम सेवैयों को जर्दा भी कहते हैं, खिमामी सेवैयाँ भी कहते हैं। सेवैयाँ मैंने 1 to 2 टेबल स्पून ऑयल के अंदर हल्का सा उनको। सेवैयाँ किसकी है ये? मलका की है। डर क्यों रही है? अच्छा तो हरी इलायची डाल के ना, और उसके बाद मैंने उनको डिश निकाल लिया। और अब मैं इसका शीरा बना रही हूँ। तो मैंने लिया है इसमें 1/2 लीटर ऑयल है, वो सॉरी दूध है, और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप ऑफ शुगर। और इसको हम जो है वो इसका हम शीरा बना रहे करेंगे उसको थोड़ा सा हिलाएंगे जब तक वो। इसी शीरे में मैंने ये पाव खोया मंगाया हुआ है। ओए खोया थोड़ा सा देना प्लीज। हाँ, तो मैं हाफ खोया जो है वो इसमें ऐड कर लूंगी। आप लोगों के लिए गिफ्ट्स भी हैं, मैंने यही कहा था कि आप हम गार्निशिंग के लिए बचाएंगे। या मुझे बहुत खोया। अच्छा मुझे बात बताइए इमेज, खोया और बर्फी में क्या फर्क है? नहीं बर्फी तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रोसेस्ड होता है, उसके अंदर वो मीठा वगैरह मिक्स करके बनाते हैं। यही चीज होती है, लोग जो है वो बर्फी तब इस्तेमाल करते हैं अगर खोया ना मिल रहा हो तो। चलो बर्फी कर ली इस्तेमाल। अच्छा ये हमारा चिकन हो गया, इसमें ये मैक्रोनी जो है मैंने बॉइल करके रखी हुई है। आई एम गोइंग टू ऐड दिस मैक्रोनी इन दिस। ये 1.5 packets ऑफ मैक्रोनी है। You guys are going to eat this today, na? Yeah, yeah. दावत होगी ना? और हम इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से, और इसके बाद में इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा लो फ्लेम पे। अगर आप ये सोचती हैं कि आप इस तरह करके मेरे जाल में फंसा लेंगे और खा लेंगी ना जान, ऐसा ना हो पाएगा। डॉक्टर इस्माइल ही है। नहीं नहीं आप खाएंगे, बड़े मजे की बनाएगी एमन। एमन ईद पे क्या बनाती होती है मीठा? शीर बनती है हमारे यहाँ।
शीर खोरमा नहीं, नहीं खोरमा नहीं, शीर खाली शीर, जो शीर खोरमा है वो क्या फ़र्क है उसमें? या वो शीर खोरमा जो होता है वो थोड़ी मुख्तलिफ रेसिपी होती है, लोग मुख्तलिफ, कुछ लोग ड्राई बनाते हैं, कुछ लोग उसको ज़रा गीला रखते हैं। नहीं शीर क्या होता है? शीर जो होती है वो सेवैयाँ होती हैं जिन्हें आपने इसी तरीके से पकाना होता है, जो हमने प्रीवियस बनाई थी, जो हमारी प्रीवियस रेसिपी थी सेवैयों की, वो बेसिकली शीर थी। नहीं वो ड्राई नहीं होती, शीर खोरमा होता है दो तरह का होता है, कुछ लोग ड्राई भी करते हैं उसको और कुछ लोग जो है उसको पतला वाला भी बनाते हैं, और कुछ जो है नहीं दोनों तरह बनता है। हम लोग जो है वो एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चीजें जो है वो काफी प्रिपेयर्ड होंगे, उसके बाद कुछ और बातें भी करेंगे डॉक्टर साहिबान से, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना हमारे साथ। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हाँ जी हेमन कहाँ तक पहुँच गई? हमने ये शीरा तैयार कर लिया है, ठीक है। अब इसमें जो हमने सेवैयाँ भुनी थी वो मैं डाल दूंगी, और इसको हमने इस वक्त तक पकाना है कि जो है वो हाँ ये थोड़ा सा सेवैयाँ नरम हो जाएं और ये बिल्कुल जो है वो उसकी शक्ल इख्तियार कर ले, जैसे कि हम कह रहे हैं कि जर्दा सा बन जाता है ना सेवैयों का। हेमन मुझे मीठा इतना नहीं पसंद ना, ठीक है, मुझे बहुत कुछ मीठा पसंद, मुझे भी नहीं पसंद, दिस इज वन ऑफ दैट मीठा, मुझे दूध वाली सेवैयाँ इतनी पसंद है ना, आई लव इट। और बस आज जुमे की मुनासबत से मीठा भी रखा कि जो है वो, आई लव योर पिक्चर, थैंक यू। अच्छा हम आपको देने लगे आज एमन आपके हाथ से दिलवाएंगे, मैं चाहता हूँ आपके वो मेमोरी रहे कि आप इस शो का बहुत अहम हिस्सा थी, बहुत शुक्रिया। ये आपने देना है पहले डॉक्टर रूबिया उस्मान जी, जो आपको अच्छा लगता है आपको देते मुझे दोनों अच्छे लगे नहीं, आपने जो पहले ज्यादा मैंने पहले हाथ आगे कर दिया, नहीं मैंने गलत चॉइस ही ली। हां हां देखा डॉक्टर उस्मान, इसने आपको नहीं पहले दिया ये आपको मलका के मसाले, मलका की तरफ से यूज करने, ठीक है, हां यूज करने आपने क्योंकि आपको खाना बनाने का शौक है, यस डाल दे आप ये इनको दे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये मलका के मसाले आपके साथ है, इसमें पिंक सॉल्ट है, ये पिंक सॉल्ट हिमालय की पहाड़ों से आया हुआ 100% प्योर मिल्क है, ये आपने प्योर मिल्क है, हमारे कल पे तुमने ये कह दी थी 100% प्योर मिल्क है, आई लव इट, प्योर सॉल्ट है, सॉरी माजरा मैं क्यों कह रहा हूँ। अच्छा ये प्रिजर्वेटिव से इनके मसाले पाक होते हैं, इस वजह से ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हम डॉक्टर्स को भी बेधड़क दे देते हैं कि ऐसा ना हो हमारी बेइज्जती हो जाए, तो बिल्कुल भी मलका को शुक्रिया अदा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली प्रेजेंस, थैंक यू मलका, थैंक यू सो मच मलका, थैंक यू फॉर लवली प्रेजेंस। अच्छा ये तो हो गया है ना, ये हो गया, इसको हम इकट्ठा ही करेंगे ना दोनों चीजों को, ये बादाम पास्ते तो रख देना, ये नहीं ये ना मैंने रखे थे कि मैं इनको चेक कर लूं, हां हां श्योर है ना, सेवैया ना गार्निश उसके लिए होगी बिल्कुल, इवन पास्ते तो चेक करूं कि ठीक है बादाम, आई लव यू फॉर द, कितना आप मुझे याद करेंगे कि हमारे आपको कितना तंग करता था, मसाला ना बिछा लीजिएगा बस दो के। मेरी अम्मी को मैंने कल बता रहा था ना कि आज आपका लास्ट डे होगा, तो मेरी अम्मी कहती हैं खाने अच्छे बनाती, मैंने कहा बहुत अच्छे, कहती हैं कराची की है ना इसलिए। चले अब ट्राई करते हैं आपका, चलो मैं तो देखती हूं मैं से कर लेती हूं, डोंट बी हुमायूं यहां मैं इधर खड़ी हुई हूं ना, आई रियली वांट टू बट आई थिंक यू शुड डू इट फर्स्ट, मैं मेहमानों को नहीं दे रहा केचप, अगर हो ना इसके साथ थोड़ा सा मलका का, मलका का केचप भी मजेदार ना हो जाए जिंदगी है, मजेदार ही टेस्ट बहुत अच्छा है। एमन तुम्हारे बच्चों का क्या सीन था? ये बहुत अच्छा बना हुआ है उन लोगों के लिए भी जिनको ज्यादा मिर्चे, मेरे बच्चों को ये मेरा बहुत पसंद है। नहीं नहीं आपके बच्चों ने जब आपको टीवी पे देखा उनकी क्या राय थी, मतलब हाउ हाउ दे रिस्पोंडेड? बहुत खुश हुए। नादिया अस्सलाम वालेकुम, ये आपको नहीं कहा कसम खुदा की हलीमा को, हलीमा को वली भाई, नहीं नहीं वली भाई यार मेरी बात हो गया, बात से आप बिल्कुल बाद रहा आपके साथ,
बांदर नहीं यार, यकीन मानो पीसीआर से बताओ, मैंने इसे नहीं कहा, हलीमा को कह रहा था। ये सिर्फ तुम्हें ही कहा है, ये अब कवर अप स्टोरी डाल रहा है ये सारी। वाली भाई आप जो मर्जी कहे मुझे मंजूर है। जुमे का दिन है, कोई नहाओ धो अल्लाह अल्लाह करो, ये गाने शाने छोड़ो। अच्छा मैं सुन ले। हाँ जी जी, मैं पंजाबी में बात करो। करे करे जी जी, करे करे, क्यों आप, आपको मना कोई कर सकता है इतनी हमारी औकात? औकात है, औकात औकात। आज क्या था चल रहा है, जब चाहे हम पहले कितनी कितनी अच्छी लग रही है ना, क्या करूं, कौन अच्छी लग रही है? ये डॉक्टर रूबिया कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा माशाल्लाह, मैं नहीं देख रही ना। क्यों? वो केबल नहीं आ रही, खराब है ना। मैं बड़े बदतमीज है जब सियालकोट वाले ना चैनल वाले, मैं महीना हो गया बात कर रही हूँ, सही नहीं करके दे रहे मुझे, नजर लग गई है यार। अल्लाह ताला बस क्या करे, तुम कोई शेर सुना दो इन सियालकोटियों के लिए, कोई शेर सुना दो मुंडा सियालकोटिया। अच्छा वो ना मेरे घर में ना मेरी भाभी कहती है एक दिन मुझे कि जब तुम उनके साथ बात करती हो ना तो तुम्हारे चेहरे पे ना बड़ी चमक आती है, नजर ही लग गई है। हाँ बस अल्लाह करे वो चमक दोबारा तुम्हारे चेहरे पे आ जाए। तुम क्या कहना चाह रही हो, तुम्हारी भाभी की नजर लगी है? और क्या, मुझे कहती है जब तुम उनसे बात करती हो ना तो तुम्हारे तुम्हें बड़ी खुशी होती है। लादी कोई शेर है आज तुम्हारे पास सियालकोटियों के लिए? सियालकोटियों के लिए नहीं है। आप सियालकोटी तो नहीं है? इंशाल्लाह जल्दी आएंगे, तुम लोग फुटबॉल रखना, फुटबॉल ये और इसके लारे कभी ना खत्म हो। नहीं इंशाल्लाह आऊंगा, सलामत रहो नादिया, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। जी 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 जी, सुन ले, लुट के खाइए राज नहीं होता, लुट के खाइए राज नहीं होता, मांग के पाइए कुछ नहीं होता। क्या करके पाइए? मांग के पाइए कुछ नहीं होता, बिना इश्क नबी दे काबे जाइए, पेंडा ही होता हज नहीं होता। जी यानी पेंडा होता है चक्कर ही लगता है, हाज नहीं होता, मतलब ऐसे ही पेंडा लग गया, मतलब कि वैसे ही हो गया, चक्कर लग गया, हाज नहीं हुआ। I love you 4 5 6 7 इतना ज्यादा ख्याल रखना, आंटी का सलाम कहना, आंटी का सलाम कहना, ठीक है? खुद कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, तेरी सलाम करता हूं, ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। आपने रेसिपी बतानी थी किसी चीज की? अगर बतानी है कोई चीज ऐसी मिसिंग बीच में से रह गई, वरना हमें बोलने दे, बता दे। नहीं इट्स ऑलमोस्ट डन, वरना हमें खाने दे और ये हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग उम्मीद रुपया बादाम और वेरी लेस ऑलरेडी। नहीं आप लीजिए, नहीं आप ले ले, आप ले ले, एक ले ले सर, लिटरली जस्ट वन इन देम, मेरे एक ले ले, आप एक ले ले। देखा है इसको, देखा है बादाम, चक्के बताए ना मीठा कैसा बना, तो इंतजार करूं रेसिपी आ जाए तो आके खा ले। आप खाओ, आप खाओ। आप अपने पेज के बारे में बता सकती हैं, आप क्या कहेंगी? मेरा फूडी मूड, फूडी 312 के उससे इंस्टाग्राम पे पेज है। क्या नाम है दोबारा बताइएगा? फूडी 312 312 उससे क्या 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 कर सकते हैं, क्या क्या मिल सकता है? ऑर्डर क्या क्या कर सकते हैं? हम रेगुलर ऑर्डर्स भी लेते हैं फॉर इवेंट्स, दावत्स एंड एमन, जितनी या चीजें बनाई हैं अगर उसमें से कुछ ऑर्डर करना चाहो आप उसके अलावा भी कर सकते हैं। और मेरा नंबर है व्हाट्सएप, हमारा नंबर है 0336300 5278, आप उस पे मैसेज भी कर सकते हैं। दोबारा इसे बोलें ताकि आगे किसी ने नोट डाउन करना हो तो वो कर, ठीक है 0336300 5278 उस पे आप कॉल कर सकते हैं। तो वी आर, अगर फॉर इंस्टेंस मैंने आपसे पास्ता बनवाना है तो कितनी देर में बना, मतलब एक ही उसी दिन ऑर्डर दे दूं तो मिल जाएगा? नहीं वी टेक प्री ऑर्डर्स, मैंने आपको बताया मेरी ऑलरेडी कमिटमेंट है, आई एम अ टीचर, तो एक दिन पहले बता दिया, एक दिन पहले आपको बता। आप लोगों ने जो भी ऑर्डर करना है ये हलीमा और हुमायूं की हाईली रिकमेंडेड है कि जितना बेहतरीन खाना एमन ने हमें खिलाया है, ज़ैनब को सही सब्स्टिट्यूट किया है, मतलब हमें लगा ज़ैनब चली जाएगी हम दुखी होंगे, यकीनन ज़ैनब की गैर मौजूदगी से हम दुखी थे, लेकिन आपने ये जगह बड़ी बेहतरीन तरीके से फिल की है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ये बड़ा काम था कि आपने हमें खिलाया है, और आपकी सबसे प्यारी बात थी कि हमें खिलाती थी और आप खुद नहीं खाती थी, लेकिन आप वादा करेंगी, एक यहाँ से वादा करके जाएंगी, हम जब जब आपको बुलाएंगे आप आएंगी और आप यहाँ पर हमारी मेहमान बनेंगी, और आपने एक बात याद रखनी है,
ये जो आज आप वहाँ पे बुलाया था ना, आपकी आंखों में आंसू थे, दोबारा ना हो, ठीक है? आपको दोबारा बुलाएंगे, आप एक और सुबह का हिस्सा रहेंगे। ये बात जो है वो ईमन मुझे ऑलरेडी कह चुकी हैं कि जब जब आप बुलाएंगे, लेकिन उनकी वो ये भी कह चुकी हैं कि मेरी थोड़ी कमिटमेंट का इशू होता है, तो थोड़ा सा पहले बता। पर आपने ये याद रखना है कि हुमायूं बदलेगा नहीं, मैं टुंगियां मारूंगा, चुंजे मारूंगा आपकी चीजों से, इसकी आपको आदत पड़ती रहेगी। थैंक यू सो मच ईमन, थैंक यू सो मच। आई थिंक अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ईमन, वेरी गुड यार, थैंक यू, वी हैड अ लवली टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके शोहर का शुक्रिया कि वो लाते रहे, बस मैं सॉरी नहीं बोला जा रहा, बस सबका शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। चले हम अपनी नशिस्तों की तरफ चलते हैं जी। उस्मान, अगर आपको ये लग रहा है खाना आपको मिलेगा, कभी उठा लेना, रोटी को लेके गया, कोई बात नहीं, मैं दोनों मेरे, इट्स ओके डॉक्टर साहब, इट्स ओके, नहीं नहीं आई विल टेक इट, इसको अगर मुफ्त इलाज आपने करके दिया यार, मुझे गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है, गैस्ट्रिक इश्यूज बता कर आते होते, ये हो जाते होते अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं है। अच्छा, वन थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम गर्मियों में, जैसे मैं गर्मियों में भी गर्म चीजें खाता हूँ, मैं अपनी रूटीन नहीं चेंज करता, जैसे मैं 5 कच्चे अंडे एवरी मॉर्निंग आई ईट इट, कच्चे अंडे, कच्चे अंडे खाता हूँ, और मुझे अगर अंडों का पहाड़ भी हो ना तो मैं वो खा लूंगा, मुझे अंडे इतने पसंद है। इट्स वेरी गर्म चीजें जो कि आप गर्मियों में नहीं खाते, मछली भी आप नहीं खाते लेकिन हम खाते, उसके छाले निकल आते हैं आपके, आपके जिगर में गर्मी हो जाती है, कहते कच्ची लस्सी पी लो एक ग्लास तो उससे ठीक हो जाता है, पर यस इट इज इट आई हैव हर्ड, तो जो मुंह पे छाले निकल आते हैं उसका क्या किया जाए जो गर्मी से? देखिए, अगर तो वाकई आपको अपना ट्रिगर पता है ना कि जी मैं गर्म चीजें खा रहा हूँ, और उसके बाद तो फिर जितना दवाइयों से बच के अगर डाइट चेंजेस से काम बन जाता है ना, तो वो हमें करना चाहिए। अच्छा, कच्ची लस्सी या दही ये बहुत अच्छी चीजें हैं, एक तो नेचुरल प्रोबायोटिक है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, और ये क्लिनिक में भी बिल्कुल ऐसे ही है वर्दा, मैं इनके क्लिनिक भी विजिट करता हूँ, ये दोनों बिल्कुल ऐसे ही एनर्जेटिक है। हाँ, दूसरे लोग भी हैं इनके आसपास जो आपको गेट तक छोड़ने आते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत अच्छे हैं। आप जरूर पूछे, आपने बिल्कुल सही इंसान के लिए कॉल किया, आप जरूर पूछे डॉक्टर साहब से। मैं आप दोनों से बात कर रही हूँ, आई एम सफरिंग फ्रॉम स्टमक पेन वेरी बैडली, मतलब मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा, मुझे इतनी शदीद पेन है। हिस्ट्री में फिर साइज भी बता देती हूँ कि मुझे तकरीबन कोई 14-15 ईयर्स हो गए, बहुत शदीद मसला था, फैटी लिवर उन्होंने डायग्नोज किया था लाहौर में, और देन फिर मैंने फिशर्स हो जाते हैं, शदीद अपसेट होता स्टमक, और एट द एंड जो है ना मेदे में इतनी पेन होती है कि मुझे ऐसा लगता है ब्लीडिंग हो रही है, और खाना नहीं मुझसे खाया जाता। इस दफा जो मेरा जो वर्स्ट केस हुआ है ना, वो खाना नहीं खाया जा रहा मुझसे, एक स्लाइस मैंने, आप यकीन करें, आपकी भी डॉक्टर साहब आपकी जो कन्वर्सेशन है ना सुनते सुनते मैंने बड़ी मुश्किल से खाया। अल्लाह ताला सेहत दे आपको, यू हैव जस्ट मेड मी वरीड, आपने मुझे लिटरली बहुत परेशान कर दिया है। वर्दा, आपने कोई टेस्ट कराया है या किसी को चेक कराया है, अल्ट्रासाउंड वगैरह आपका कुछ हुआ है? डियर, उनको कहते हैं कि पता चलेगा, मैं एंडोस्कोपी की तरफ नहीं जाना। आप किस डॉक्टर को, आप कहाँ रहती हैं? कहाँ रहती हैं? इस्लामाबाद, लाहौर में। मैं डॉक्टर साजिद नसार को दिखा चुकी हूँ, डॉक्टर साहब वो अवेयर होंगे कि वो लाहौर में सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वेट लॉस वगैरह हो रहा है? वेट लॉस नहीं, वेट गेन हो रहा है इनफैक्ट। ठीक है, मैं फूलती जा रही हूँ, मेरा और ताकत नाम को नहीं है। अच्छा, इसमें ना स्क्रीनिंग, अब और मुझे लो शुगर भी हो जाती है, ये भी मैं आपको बता दूं। कॉल बंद करने के बाद जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है वर्दा, अभी आप कॉल बंद कीजिए, आपकी आपको अभी जवाब देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्लीज अपना ख्याल रखना है। मैं आई गॉट अ लिटिल डिप्रेस्ड ऑन दैट, अल्लाह ताला सेहत दे, वो तो आवाज से भी लग रहा है कि शी इज अंडर डिस्ट्रेस और काफी बहुत वो दर्द में है, उनकी आवाज से पता लगा। असल में प्रॉब्लम ये है कि जी जो क्रॉनिक डिजीजेस हो जाती है ना, उनके अंदर ना फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं ना, कि सॉफ्टवेयर की वजह से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, तो ये जिस तरह इन्होंने कहा कि मल्टीपल ईयर से इनको ये तकलीफ हो रही है और आस्ता आस्ता बढ़ रही है जी। तो इसमें
एक तो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं यानी कि खाना वगैरह, एक है स्ट्रक्चरल डिजीज यानी कि अल्सर और इस तरह की चीज़ें ना हो, और दूसरी चीज़ होती है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी। हमारा हाजमा जिसको हम गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं उसकी अपनी ब्रेन भी है, दिमाग भी है, तो वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है हमारे मेंटल हेल्थ वेल बींग से। जब आपको एक कोई बीमारी लंबे अरसे के लिए हो जाती है ना तो ये दोनों सिंक हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को कभी डांटे ना तो टॉयलेट की तरफ भागते हैं, जब आप स्कूल चेंज कर दें किसी का वो स्ट्रेस हो जाए तो वो उनको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है मॉर्निंग, या नॉजिया से भी होता है, क्योंकि दिस इज द एंग्जायटी प्लेइंग। मैं ये नहीं कह रहा कि मैडम को ये है, आई एम सेइंग कि वन ऑफ द रीजन हो सकता है। तो लेकिन उससे पहले हम कुछ टेस्ट करा के ये जरूर देखना चाहेंगे, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई खतरनाक चीज कैंसिल आउट करना चाहेंगे कि अल्सर, कोई जिस तरह इन्होंने ब्लीडिंग की बात की, कोई सोजिश इन्फ्लेमेशन ये वगैरह ना हो। ये नहीं है तो फिर हमारे पास ऐसी अद्वियात हैं जिससे हम ये गट ब्रेन एक्सेस को, लेकिन यू सेइंग डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम कि अभी वो डॉक्टर के पास जाएं, अपना प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं ताकि पता चले कैंसिल आउट होगी चीजें, ये है अब इसका इलाज करना है, ऐसा ही है। बिल्कुल, ऐसे टेस्ट है जो आप रिकमेंड कर दें उनको वो करा के आपको? आई डोंट थिंक सो, कि मेरे ख्याल है कि रिकमेंडेड हियर, इट नीड्स टू बी डॉक्टर नीड्स टू सी फिजिकली, जो आपको फेस टू फेस रिव्यू जितना बेनिफिट देती है। देखिए डॉक्टर अगर एग्जामिन हाथ, एक बड़ी पुरानी कहावत है जो पुराने हमेशा कहते हैं, उन्होंने टूटी लाई नहीं, टूटी ला के चेक ही नहीं किया। हाँ। अब जैसे गैस्ट्रो का भाई पुराने बुढ़े, आई से इट, मैं जब डॉक्टर पास जाता हूं कितने दूर बैठे सामने बैठे, हां जी ये लिख दी, मैंने कहा आप मुझे हाथ तो लगता है यार। डॉक्टर उस्मान, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो आपकी एक वेन जा रही है जिससे खाना आपका नीचे जाता है, उसके एंड पे एक ढक्कन टाइप है जो बंद हो जाती है जब आपका खाना वहां से गुजर जाता है, तो बहुत सारे लोग क्या उसको वहां तक पहुंचने ही नहीं देते कि वो ढक्कन बंद हो, इसलिए हमें जलन का एहसास होता है। और दूसरा ये कि प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी खवातीन जो है वो कंप्लेन करती हैं कि हमें हार्ट बर्न बहुत ज्यादा होता है, उसकी क्या रीजन है? वो भी मसाले हैं। व्हाट यू थॉट, एमन वांट्स टू बी हर्ड, एमन आप कुछ बताना चाह रही हैं? मैं कुछ, मेरा एक सवाल है। जी जी, अच्छा अच्छा, आप पूछ लीजिए। डॉक्टर साहब से भी मैम आपसे सवाल है मेरा, हम अभी जैसे ग्रोइंग, मेरे बच्चे भी हैं और हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि बाय द टाइम किसी किसी वक्त ना उनके फेस पे पैचेस से होने लगते हैं वाइट वाइट, और अक्सर लोग कहते हैं कि कैल्शियम की कमी है जिसकी वजह से ये पैचेस हो रहे हैं। एट टाइम्स हम डर भी जाते हैं कि कहीं ये वो चीज़ ना हो जिसे हम बर्स भी कहते हैं। जी, बिल्कुल। तो मुझे मतलब उसके हवाले से पूछना था कि हाउ टू डिफरेंशिएट, और फिर किस तरह हम डॉक्टर से करें और क्या मतलब उसका है? आप मुझे दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, आप दोनों ने जल्दी जल्दी जवाब देना, हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है। इंपॉर्टेंट सवाल देखें, अच्छी तशखीस तो अच्छा डॉक्टर ही करता है ऑब्वियसली, लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है बर्स की तो स्टॉप स्ट्रेसिंग अबाउट दैट। और ये बहुत कॉमन है बच्चों में, ये पैची स्किन इन द फेस इज वेरी कॉमन, ये बहुत एक आम चीज़ है जो हम हर जगह देखते हैं। दूसरा, हमारी रंगत थोड़ी डार्कर है तो हमारे यहाँ लाइटर पैचेस आर मोर कॉमन, जो मैंने नोटिस किया है। बच्चे बाहर धूप में खेलते हैं वो लाइट पैच और नुमाया हो जाते हैं। बिल्कुल, किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई कैल्शियम की कमी नहीं है, आई प्रॉमिस यू, किसी दूध की कमी नहीं है, बच्चा बिल्कुल ठीक खा पी रहा है और कोई इन्फेक्शन भी नहीं है। तो दिस इज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ड्राई स्किन, पिट्रियसिस एल्बा इसका नाम है, अगर किसी को बहुत शौक है पढ़ने का इसके बारे में। बट द जिस्ट इज आप मॉइस्चराइज करें। अगर आप मेरे पास आ जाएं, अगर आप बहुत तंग हो रहे हो तो मैं आपको दवाई कभी लिख दूंगी, लेकिन ये खुद ही चली जाती है अगर आप कुछ भी ना करें। सो आई यूजली जस्ट एडवाइस कि आप बच्चों को के मॉइस्चराइज करें, धूप में जानते हुए सनब्लॉक लगा ले या टोपी पहन ले, और दूसरी बात कि बस जस्ट बी नेचुरल। और मेरा ख्याल है जो हलीमा वाला सवाल है वो हलीमा अकेले में पूछते हैं, खत्म हो गया हमारे पास। आप लोग कर लेना, आपने मुझसे फीस नहीं लेनी ना उनसे लेनी, आपने फीस हमसे आज के बाद आपने फीस ये बात करने वाली नहीं थी वैसे। यहाँ पे हम यहाँ पर आपको कहेंगे खुदा हाफिज, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे, वीकेंड है, मौसम अच्छा है, रास्तों का हलीमा ने आपको सुबह भी बता दिया था, लेकिन रास्तों को दाएं बाएं देखकर जाइए, घूमिए फिरिए अपने घर वालों के साथ, जिंदगी एक बार मिलती है बार बार नहीं। एक और सब में हुमायूं हलीमा को दीजिए इजाजत, हमने भी तो जाना। अल्लाह।